ओके हमारी आज की इस मीटिंग का मकसद है, हम लोग कुछ वॉचेस का एनालिसिस करने जा रहे हैं. नाउ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कि हम लोग कर ही क्यों रहे हैं. बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज. हम लोगों का कल से एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दिस इज रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड थेरेपी, जिसमें कि हम लोग अपने हाथ पे जो घड़ियां पहनते हैं रिस्ट वॉचेस, एंड साथ में जो आपके घर में जितनी भी क्लॉक्स वॉल पे लगी होती है, कैसे वो आपकी फैमिली को इम्पैक्ट करती है, उसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. जब मुझे पहली बार ये कंसेप्ट पता चला था, दिस इज लाइक जो इसके फाउंडर हैं इस कंसेप्ट के, मिस्टर सुधीर कोवे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, एंड देन ही केम आउट विद द हिज रिसर्च वर्क फाइनली, एंड व्हिच इज लाइक वेरी मच ऑथेंटिक, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके. जिन लोगों को उन्होंने दिया भी रेमेडियल वॉचेस, उससे उनको बहुत ही बेनिफिट भी हुआ, एंड पीपल हैव गेन लाइक सक्सेस मिली है उनको अपने बिजनेस में, लोगों के रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए हैं, एंड साथ के साथ अगर किसी के कोई हेल्थ इश्यूज थे तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं. एंड देन जब मुझे पता चला, आई थॉट मुझे कई सालों से पता था कि मिस्टर सुधीर कोवे ऐसा करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट नहीं था. बट एस जैसा कि होता है यूनिवर्स में, आफ्टर टाइम मुझे भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, एंड आई लर्न्ड इट. मैंने दो तीन लोगों से इसे सीखा, और सीखने के बाद मैंने बहुत इस पर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सब लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया आपको हो तो, सो दैट मेरा अपना भी तो ऑथेंटिक एक वो हो ना, विश्वास हो उस पर, ट्रस्ट हो. सो जितने भी लोगों का हमने किया एवरीवेयर, लाइक आप लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी, बिकॉज कोर्स स्टार्ट होने जाता वेरी ऑब्वियसली, तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी या सब जगह पर हमने डाले उसके टेस्टिमोनियल्स. तो मतलब मेरे को हर बार यही मिला कि मैम 99% सही है, 100% सही है. आई एक्सपेक्टेड कि मुझे कोई कहेगा कि मैम 80% भी सही है, तो मैं कहूंगी अच्छा ठीक है, अच्छी बात है. बट किसी ने भी मुझे आज तक ये नहीं कहा कि मैम 95% सही है. हमेशा यही रहा, 99% सही है, 100% सही है. एंड वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि देखो, घड़ी जिंदगी में एक चीज नहीं होती, आपकी लाइफ को बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं ना. बट स्टिल घड़ी आप कहाँ पर पहनते हो, जो आपका ये रिस्ट वॉच एरिया होता है, मतलब आपकी नर्व्स जो होती है, पल्स जो होती है, पल्स क्या होती है, आपकी जीवन की गति, कि आपकी पल्स कैसे चल रही है. पहले तो जितने भी वैद्य होते थे, वो लोग आपकी पल्स देख के आपकी हेल्थ के बारे में बताते थे, आपके मेंटल स्टेट के बारे में बताते थे, कोई भी डिजीजेस हैं उनके बारे में वो पता कर लेते थे कि आपको इवन फीवर है नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर वो सिर्फ पल्स से चेक कर देते थे. ठीक है, अभी भी काफी डॉक्टर्स करते हैं, बट थोड़ा प्रैक्टिस कम हो गया, अभी इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा जोर आने लग गया. नाउ दिस इज नॉट अबाउट वॉचेस ओनली, दिस इज अबाउट टाइम, समय. हमारी जिंदगी में है क्या, सिर्फ एक समय है, बर्थ से लेकर डेथ तक का. ठीक है, तो ये बर्थ से लेकर डेथ तक का जो हमारे को एक समय मिला हुआ है इस अर्थ पे, है ना, अगर ये समय नहीं तो हम कुछ भी नहीं है. सो दिस इज टाइम जो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करता है, जिससे हमारी जिंदगी की सब चीजें डिसाइड होती हैं. हम लोग भी अक्सर लाइफ में क्या यूज करते हो आप लोग वर्ड, मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है, यही बात हम लोग करते हैं ना. सो व्हेन टाइम हैज सो मच इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, तो एक चीज जो उस टाइम की मूरत है ना, जो उसका एम्बॉडीमेंट है, जो उसका आपके पास एक फिजिकल रूप है, वो, और जो कि हम अपनी पल्स के ऊपर पहन रहे हैं, वो हमारी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करता होगा. दिस इज समथिंग जो काफी टाइम से इग्नोर्ड, मतलब मैं इसे वाकई में कहूंगी कि मतलब जिसमें ध्यान नहीं दिया जाता, एक बहुत ही गहरी साइंस है. सो इसी के थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कैसे कुछ लोगों ने, हमने हमें जो उन्होंने अपनी वॉचेस भेजी,
उनकी वॉचेस उनके बारे में क्या बताती है, एंड वो यहाँ पर आपके सामने वो लोग भी बताएंगे कि हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या नहीं। तो उनकी वॉचेस तो हम लोग लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंड आप एंड तक बने रहिए इस वेबिनार में, बिकॉज एट द एंड हम लोग आपके लिए जो मैंने प्रॉमिस किया था 5100 रुपीज के हम लोग आपको गिफ्ट्स देने वाले हैं। सो जो भी उन ऑफर्स को गिफ्ट्स को चाहते हैं, और इनफैक्ट जो लोग कोर्स भी करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं एट द एंड ऑफ द वेबिनार, तो प्लीज आप लोग बने रहे हैं एंड तक। एंड जो लोग नहीं भी बने रहते हैं, मुझे एक किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको जाना है, तो वो बाद में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप सभी के लिए हम लोग कुछ गिफ्ट्स आपको देंगे, तो उनके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं वॉचेस का, एंड देन उसके बाद आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे या हम लोग आपको कोर्स का डिटेल्स कैसे कैसे, बहुत लोगों के मेरे पास फोन क्वेरीज आ रहे थे कि ये कोर्स है क्या, रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स है क्या, और इसका क्या बेनिफिट होता है लाइफ में। तो जस्ट कुछ वॉचेस हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसे करेंगे। अनुपमा जी, आई एम श्योर अभी आपको वॉइस आ रहा होगा, जो भी आप लोग बताना चाहें थम्स अप वगैरह से बता सकते हैं या मैसेजेस लिखकर बता सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले किसका वॉच लें? ओके, दिस इज शीतल मुंडे जी हैं अभी यहाँ पर मीटिंग में, शीतल मुंडे जी। नो, आई सपोज वो नहीं है मीटिंग में, तो हम लोग इस बार नेक्स्ट वॉच लेते हैं, इसे एक बार ड्रॉप करते हैं। ओके, ये वाला वॉच हम लेते हैं सबसे पहले। ये वॉच नीलिमा जी का है, नीलिमा जी आप प्रेजेंट है ना मीटिंग में? ओके, मैं नीलिमा जी को अनम्यूट करती हूँ। नीलिमा जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। यस ओके, नीलिमा जी ने ये वॉच मेरे पास पहले भेजा था। कुछ बातें मैं इनकी वॉच के बारे में मैंने इनको नहीं बताई थी, अभी इनको बताते हैं। नीलिमा जी, आपकी वॉच साफ साफ बताती है कि आप अपनी मदर से बहुत अटैच हैं। दूसरी बात है कि आप चीजों के ब्यूटी की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, परफेक्टली आपको हर चीज को बहुत परफेक्टली करना है कि कैसे उसे सबसे अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, और इतना परफेक्टली करना है कि अगर आप कोई सेल्फी भी लेने लगोगे कुछ भी करोगे तो आप ये तक देखोगे कि मेरे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है। पहले आप अपना बैकग्राउंड एकदम सेट करोगे और उसके बाद सेल्फी लोगे, सेल्फी या फोटो जो भी है ना, मतलब वॉट एवर दैट वे, तो आप उतना तक बारीकी से ध्यान रखोगे, है ना। एंड देन आप में सबके लिए एक्सेप्टेंस है, लेकिन साथ के साथ आप एक थोड़ा सा सर्कल भी मेंटेन करते हो, थोड़ा सा सिलेक्टिव, कि प्रीमियम लोग या जो अच्छे, प्रीमियम डजंट मीन ऑलवेज कि बहुत रिच लोग, बट जो आपके माइंड के मुताबिक आपको अच्छी क्वालिटी के लोग लगते हैं,
आप उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हो, है ना। एंड अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है तो आप एकदम से मतलब उनको सामने फेस पे किसी को जवाब भी दे सकते हो। इट्स नॉट दैट कि आप बहुत ज्यादा सबमिसिव होकर हमेशा हर चीज को सहन करते रहेंगे। वेर एवर नीडेड यू गो ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप उनको जवाब दे देते हो, है ना। और इसके अलावा आपका कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा है। आप जो भी चीज करते हो उसमें अपने आप को पूरी तरह से कमिटेड करके और अपने प्रोमिसेस को पूरी तरह से डिलीवर करने की कोशिश करते हो। हालांकि पूरे होने में बाद में मतलब कोई कमी रह जाए तो रहता है, लेकिन आपकी तरफ से कोशिश पूरी होती है। इवन रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स आप फॉलो करते हो। इट्स नॉट दैट कि आए गए लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, नॉट दैट वे। आपके सबके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रहते हैं। एंड प्रीमियम रॉयल ब्यूटी ओरिएंटेड तो आपका रहता ही है। आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं स्लो होती हैं। बहुत जल्दी जो भी चीजें आप यूनिवर्स से चाहते हो पूरी होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होती हैं। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत लंबा स्ट्राइक रखना करना पड़ता है। बट समहाउ गिरते पड़ते भी आप खूब पेशेंस रख लेते हो, है ना। एंड आप अपने आप को एक अच्छे ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश करना चाहते हो, हालांकि वो अभी उतना नहीं हो पा रहा है। मैनिफेस्टेशन स्लो है ना। जो भी आप मतलब करना चाह रहे हो, हेल्थ वाइज मैनिफेस्टेशन स्लो है, आप उस पर भी बहुत ज्यादा नहीं। जितना आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, जितना आप बहुत करते हो, लेकिन जितना आपकी मन में इच्छा है उसमें कहीं ना कहीं अभी कमी रह रही है कि उतने तक भी अभी पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे। और जो नॉलेज गेन करते हो उसको भी इम्प्लीमेंट, इन द सेंस कि अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज को गेन कर रहे हो तो इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंचने में मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है। तो इस ऑल गेम आपका मैनिफेस्टेशन के लिए है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल्सो, इन क्लासेस में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो मैनिफेस्टेशन आपका कैसे होगा। और क्या बताएं आपका। प्रीमियम चॉइस है आपकी और अर्थ से बहुत कनेक्टेड हो, नेचर से जुड़ी चीजें आपको बहुत पसंद आती हैं। जो भी नेचर से रिलेटेड चीजें हैं आप बहुत नेचर के पास रहने की कोशिश करते हो, धरती से बहुत जुड़े हो, बहुत ईगो नहीं है, ग्राउंडेड है। आपको धरती से जुड़े रहने का मतलब ये भी होता है कि बहुत हवा में नहीं उड़ते हैं, बहुत ज्यादा शेक ही नहीं करते हैं। जो भी है हम सामने हैं एंड उसमें हमें किसी तरह का कोई वो भी नहीं है, जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा एम्बेरसमेंट भी नहीं है। इट्स ओके, व्हाट एवर वी आर वी आर। तो वो चीज है। और ब्रांडेड चीजें आप लेना चाहते हो पर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो हो भी नहीं पाता उतना। तो अभी फाइनेंशियली थोड़ा स्लो चल रहा है आपका। एंड हेल्थ वाइज आपको मेंटली आप बहुत स्ट्रोंग हो, लेकिन हेल्थ में कभी कभी थोड़ा सा लो फील करते रहते हैं बीच बीच में। कई बार हो जाता है ऐसा कि लो फील करने लग जाते हैं। बाकी आपने सबके लिए बहुत एक्सेप्टेंस है, जो भी आए जिंदगी में। जैसा आप जज नहीं करते लोगों को, उनके ये नहीं करते कि कोई भी आपको बात बता रहे कुछ भी कर रहे, तो उस बेस पे आप उसके बारे में जजमेंट्स नहीं करते। सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बताएंगे आपके बारे में ये जितनी भी बातें हमने बताई वो आपको कितने परसेंट सही लग रही है। 100% सही है, बिकॉज आई एम वॉट यूर वॉच इज टेलिंग।
एंड वॉट और आप यू राइट आर, हैंड भी पहनते हैं ना, आपने बताया था। यस राइट हैंड, हाँ अच्छा, अभी डाल हाँ कर, आई वाज जस्ट मतलब आउटसाइड, हाँ राइट हैंड पे, इसलिए बिकॉज आई नो हर लिटिल बिट, तो मुझे नहीं भी ध्यान रहेगा तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी ध्यान रहेगी, तो आई विल टेल कि हाँ वो राइट पे वो लेफ्ट में पहन ही नहीं सकते हैं। तो राइट पे पहनने से मतलब शी स्टेज लाइक इमोशनली बहुत स्ट्रोंग रहते हैं, कुछ भी होता रहे जिंदगी में बट शी डजंट गेट्स बोग डाउन। और कभी थोड़ा बहुत हुआ भी तो फाइटर की तरह से, मतलब फैमिली का एक सपोर्ट, मजबूत सहारा बन के रहते हैं। मतलब फैमिली को आपसे बहुत सपोर्ट मिलता होगा। आपके हस्बैंड घड़ी पहनते हैं, पर अभी आजकल कम, वैसे वो किस हैंड में पहनते हैं? तभी लेफ्ट कह रही हूँ आप फैमिली का सपोर्ट बनते रहते हैं, तो वो थोड़ा इमोशनल रहते होंगे, वो जल्दी यस पैनिक कर जाते होंगे। यस थोड़ा तो आप भी कभी कभी करते हो, मतलब लेते हो, थोड़ा स्ट्रेस तो लेते हो, स्ट्रेस तो रहता है। एंड होता एक है, और बट आई चीज, लेट गो द थिंग्स, हाँ आई लेट डोंट गो ड्वेल कर इन द लेती हूँ, पास्ट। लेकिन एक और चीज है कि आप खुद में जैसे परफेक्ट हो ना, मतलब कहीं ना कहीं आप वो चीज ना एक्सपेक्ट भी करते हो कि आपको सामने वालों से भी वैसी चीज मिले, मतलब वही आप अपना सर्कल बनाओगे, वही ढूंढोगे आप, जो परफेक्शन और जो सिंसियरिटी आपकी है। मतलब इट्स नॉट दैट कि आप हर एक को आने दोगे, आप उन लोगों को जो आपके माइंडसेट के होंगे, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये लोग भी हर चीज परफेक्टली करें, अच्छे से करें। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पर ये आपका ग्राउंडिंग वाला है ना, तो इसलिए आप उसको जाने भी देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा एक्सपेक्टेशन रहता है। आपके थोड़ा बहुत तो रहता हस्बैंड ही का भी है। राउंड शेप में है वॉच? हाँ उन आपके हस्बैंड का भी राउंड शेप में है वॉच? राउंड शेप में है, राउंड शेप विद व्हाइट डायल, व्हाइट बैकग्राउंड, सो ही वो आल्सो ठीक लाइक्स द है, बट रोमन। उनको उनको भी ना मतलब आप लोग यंग होते तो मैं बोलती कि ठीक है वो आप राइट पे पहन रहे हो, वो लेफ्ट में पहन रहे इज ओके, बट उनको भी राइट में पहनना चाहिए, ओके उससे उनको स्ट्रेंथ मिलेगा, द वे ओके ही इज इमोशनल, तो उससे उनको थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, मैं बताऊंगी। हाँ नहीं ही शुड, और ओके उनको कहीं ज्यादा पहने। एंड हाँ ये घड़ी में कुछ चेंजेस की जरूरत है, ओके मतलब दिस इज नाइस वॉच, आई एम श्योर कि ये आपकी काफी पुरानी यादों से जुड़ी होगी, आपने इसको बहुत सहेज के रखा होगा। बट हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे कोर्स में, आप को एक दूसरी घड़ी बताएंगे जिससे आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी, एंड आप जो जो अचीव करना चाहते हो उन चीजों में आपको सपोर्ट मिलेगा। देखो घड़ी ओके जादू नहीं करती है, लेकिन आपको सपोर्ट करेगी, हाँ वो आपको चीजों इम्पोर्टेंट है। को पूरा करने में एक जैसे होता है ना हिम्मत देती है कोई चीज, हमें हर समय इंस्पायर्ड रखती है, हमें मोटिवेटेड रखती है, ऑन द ट्रैक रखती है। यस मतलब काम है आपको ट्रैक पे रखना व्हेन यू है आर ना। देयर, नो टू ब्रिंग दिस ऑन द ट्रैक, नथिंग टू वरी। वो तो है, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेंगे, बट आपने जो बताया वो बैंग ऑन 100%, बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट माई पर्सनैलिटी बिल्कुल, मतलब वो एंड एग्जैक्टली, मतलब मैं आपकी पर्सनैलिटी जानते भी हूँ, वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है पूरी तरह से, तो दैट इज ब्यूटीफुल। यस। और ऐसे कम होता है कि आई एम ऑल्सो सरप्राइज एंड स्टन व्हेन यू टोल्ड मी इनिशियली ओनली बाय लुकिंग एट द वॉच हाँ मैं कि जब वॉच आप को ऐसे से देखती हूँ हो। तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं आपको जानती हूँ, मैं उसके फीचर्स देख देख के, उसके फीचर्स, उसकी जो चीजें सब कहती हैं, मतलब आप देखो मेरी एक नजर, मतलब बिकॉज इधर कंप्यूटर रखा है तो उसपे बड़ी दिखती है वो, तो फुल मेरा उसमें एक एक चीजें, ठीक है अभी यहाँ पर सब चीजें तो नहीं बोल सकते और बहुत ज्यादा, तो फिर पूरा कोर्स में क्या करेंगे। नहीं, पर जो भी बताया अभी दैट इज बैंग ऑन एंड हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज दिस रियली सब समथिंग न्यू एंड सरप्राइजिंग दैट नहीं अ वॉच कैन रिविल सो मेनी थिंग्स। इट कैन दिस इज नो रियली, नो मैं यू तो इन कह एंड रही मैं आउट। खुद विश्वास नहीं करती थी, बट व्हेन आई एक्सपेरिमेंटेड एंड स्टडी किया,
स्टडी करने तक नॉलेज बनती है, बट व्हेन आई एक्सपेरिमेंटेड तो फिर मेरा भी फेथ बना. एंड जब सब लोगों ने कहा, मैंने एक्सपेक्ट किया था, जब मैं लोगों की करती थी, मैं एक्सपेक्ट करती थी लोग कहेंगे ओके 70% इज ओके, 80% इज ओके, इससे ज्यादा मैं घड़ी से एक्सपेक्ट नहीं करती थी. बट टू माई सरप्राइज एवरीबडी सेज 99% ओके, 100% ओके, तो बहुत आगे का वो हो जाता है. Good, good, good. Thank you so very much. It is the best analysis I ever had it. Thank you. Thank you. All correct. Thank you. Thank you so much. ये watch मुझे एक किसी ने कहा था उनको जाना है. हरीश जी जो पहनते नहीं है ना, उनका भी अपना एक एनालिसिस होता है, बट वो अभी हम लोग यहाँ नहीं बताएंगे, वो कोर्स में रहता है. तो वो चीजें मतलब उनको अलग तरह से इंपैक्ट करती है चीजें, उनकी कहीं ना कहीं चीजें होते होते रुक जाती हैं, समय उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता है. तो कहीं ना कहीं वो चीज देखने को मिलती है कि आपके चीजें, आप में टैलेंट होते हुए भी आपको, हरीश जी का क्वेश्चन है कि जो वॉच नहीं पहनते उन लोगों का क्या होता है, तो उसका मैं सबको बता रही थी कि जो लोग वॉच नहीं पहनते तो उनकी लाइफ में अक्सर ऐसा देखा जाता है या पहनना छोड़ देते हैं, बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो गया है, हम लोग मोबाइल में एंड एवरीवेयर टाइम इज अवेलेबल. पहले तो वॉच ही अकेला होता था, तो हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी रहते थे, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग होच पोच में रहते हैं, बहुत ज्यादा भागे भागे रहते हैं. एंड डिजिटल क्लॉक्स का जो बहुत ज्यादा आ गया है, उसका एक अलग इम्पैक्ट आ रहा है. जी बिल्कुल हरीश जी, मैं तो अब सबको बोल रही हूँ कि वॉच पहनना चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसी वैसी वॉच मत लेना. थोड़ा सा आप वॉच लेने से पहले एक बार बात कर लेना, मैं आपको बताऊंगी कि कैसी वॉच लेनी चाहिए, बिकॉज नहीं तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी करती है. अभी कुछ लोगों का एनालिसिस होगा तो आप देखेंगे कि कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है. मैं आई एम जस्ट सर्चिंग, किसी ने मुझे कहा था कि उनको जल्दी जाना है, उनकी वॉच कौन सी है. जिन्हें जाना था जल्दी प्लीज वो मुझे मैसेज करेंगे. अच्छा अनुपमा जी, अनुपमा जी ये आपकी वॉच है क्या, जस्ट वेट मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. जी हाँ जी, ये आपकी वॉच है. हाँ जी, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सबका याद है. ओके अनुपमा जी, आपको हेड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, हेडेक या किसी भी तरह का जो हेड से आपके ऊपर नेक एरिया से ऊपर की तरफ प्रॉब्लम कहीं पर कुछ रहता हो, हेड में स्पेशली मेरे कानों में प्रॉब्लम रहती है, कानों में वो दिख रहा है उसमें घड़ी में, मतलब कुछ भी इस पार्ट से ऊपर के एरिया में आपको कुछ ना कुछ से कभी कभी जॉ में भी और बैक में भी पेन रहता है. ये घड़ी आपको इम्पैक्ट कर रही है, इस घड़ी में वो दिख रहा है चीज, मतलब देखते ही इमीडिएटली आपने जब भेजा था ना, फर्स्ट थिंग दिस वाज द थिंग विच आई नोटिस्ड कि ये आपको हेड के ऊपर का एरिया, मतलब ये नेक के ऊपर के एरिया में कहीं ना कहीं आपको काफी इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब काफी ज्यादा आप उसी में कहीं ना कहीं, मतलब जैसे मेरी, मेरे को एकदम से दिखा तो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो एक की, मतलब ये प्रॉब्लम बन के रह रहा है आपका अपर पार्ट, है ना. एंड नॉलेज गेन करने में आपका अच्छा इंटरेस्ट रहता है और आप उसको लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना राइट गुरु शायद नहीं मिल पाता, या आपको कहीं भी थोड़ा सा कमी बनी रहती है, लेकिन आप जो भी नॉलेज गेन करोगे
उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो, आप मैनेज कर लेते हो, या मतलब नॉलेज से रिलेटेड चीजें आप मैनेज कर लेते हो ठीक ठाक से, लेकिन हाँ कमी बनी रहती है गुरु की या नॉलेज की सोर्सेज की, कुछ लैकिंग रहता है वहां पर, है ना, नॉलेज गेन करने में। और ये क्या है, कॉपर कलर है बाहर या क्या कलर है आपका, ये गोल्डन है, कॉपर गोल्डन नहीं है, ब्राउनिश था। गोल्डन अच्छा गोल्डन है वैसा फोटो आ रहा था, ठीक है मैं इसको कॉपर ब्राउन लेकर चल रही थी, और वो बीच में ब्लैक है जो इसके उसमें बैंड्स में ब्लैक ब्लैक और गोल्डन है। ओके मैं आपको पिन करती हूँ। ओके आवाज आप नहीं थोड़ा रिजर्व कैटेगरी के हैं, मतलब हर किसी को नहीं आपको पसंद, थोड़ा रिजर्व रहते हो, और उस रिजर्वनेस में भी आपने काफी सर्कल्स बनाए हैं, थोड़ों को थोड़ा परमिशन, उसके बाद और परमिशन वाले आपने बनाए हुए, काफी सर्कल्स बना रखे हैं, और आपके कई सारे सर्कल्स ऐसे भी हैं जो आपस में मिक्सअप नहीं करते हो, आपकी फैमिली बस ये फैमिली का सर्कल, ये अलग, अब ये फ्रेंड्स का, ये आपका अगर आप वर्किंग हो तो। अच्छा आप ये किस हैंड में पहनते हो, लेफ्ट है ना, तो आपका वर्किंग हो आप से क्या के मतलब मैंने अभी शुरू किया, घर से बैठ के कर चुका रही हूँ। कर रहे हो। मैं काउंसलिंग भी कर रही हूँ और थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम है, गिफ्ट ओके पैकेजिंग। बट आप जितना सक्सेस चाहते हो उतना हो तो नहीं पा होगा, अभी नहीं है ना, और आपको आपकी जो ब्रांड वैल्यू बनेगी ना आपकी नॉलेज के बेस पे बनेगी, या अभी भी है तो नॉलेज के बेस पे आपकी ब्रांड वैल्यू है, आपकी नॉलेज आपका ब्रांड है, तो आपका ज्ञान आपके लिए बोलता है ना। तो और आप थोड़ा ब्रांडेड चीजें पसंद करते हो, ब्रांड्स की समझ है, और वही लेना भी पसंद करते हो, बट छोड़ भी देते हो, या कई बार हो नहीं पाता है ब्रांड को ही लेने का, कई बार आपको वो पूरा नहीं हो पाता आपका जो आपका है जितना ब्रांडेड लेने का, है ना, अब उसमें कोई भी वजह हो सकती है, कभी आपको हो सकता है नहीं मिलेगा, आप ढूंढ रहे हो उतना वो वाली चीज नहीं मिलेगी, या आपने उससे पहले की अभी टाइम लगेगा वो कह देंगे 6 महीने बाद आएगा मैम, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है मुझे तो अभी चाहिए, अभी दूसरा ले लेती हूँ, अब ले लिया तो ले लिया, तो आपको वहां पे सबर करना पड़ता है ना, एंड आप अपने आप को ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश करना चाहते हो, बट अभी वो नहीं हो पा रहा है ना, एंड आपका थोड़ा वो रहता है आपको चीजों की ब्यूटी पे ध्यान देने का, मतलब ब्यूटीफुली थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने का आप करते हो, और हाँ नॉलेज से रिलेटेड चीजें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हो। हेल्थ पे कहीं ना कहीं आप लेजी हो जाते हो, या कहीं ना कहीं उसको निग्लेक्ट करते हो आप हेल्थ को, है ना, और आपका आपका टाइम बहुत सारी अननेसेसरी की चीजों में भी कई बार वेस्ट होता है, जैसे आपको कोई काम करना है, मान लो अभी भी आप काउंसलिंग का कह रहे हो, तो जो आपको पहले उससे काम करना होता होगा, तो आप बहुत बार ऐसे भी अननेसेसरी के छोटे छोटे बहुत सारे काम करते रहते हो जो शायद रिक्वायर्ड नहीं थे, वो आपके टाइम, आप बाद में खुद भी ऑब्जर्व करते हो कि वो आपके टाइम वेस्टेज बन जाते हैं कहीं ना कहीं, कि भाई नॉट रिक्वायर्ड बट वो आपका टाइम खा जाते हैं, तो वैसा होता होगा आपकी लाइफ में, और आप लेकिन आपका कमिटमेंट लेवल अच्छा है, एंड आप
जो मैंने शुरू से नहीं बोला, आप काफी इमोशनल हो, इसीलिए रिजर्व रहते हो. इट्स लाइक जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं और ज्यादा समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं. फिर देन दे डू नॉट लेट सच पीपल एंटर जो आपको हर्ट कर जाए. तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी बनी रहती है. ऐसा नहीं कि ऊपरी तौर पे हो सकता है आपको रियलाइज भी नहीं, बट गहराइयों में देयर इज एन इनसिक्योरिटी कि अनजान लोग या हर तरह के लोग मेरी जिंदगी में आएंगे तो वो मुझे हर्ट कर सकते हैं या मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हैं, मोर ऑफ इमोशनल हर्ट. तो इसलिए आप अलाउ ही नहीं करते, बात ही खत्म. कि बाद में तकलीफ पाओ तो आप बहुत ही समझदारी से, एंड देन अगेन यू आर ऑल्सो सिलेक्टिव, एंड आपको थोड़ा रॉयल्टी, एथनिसिटी और इलाइटनेस पसंद है. और जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, आप बहुत कमिटमेंट से निभाते हो उनको, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हो कि रिलेशनशिप्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए, और अपनी तरफ से भी पूरा उसमें कोशिश करते हो आप. और आपकी घड़ी क्या बोल रही है? बाकी हर चीज में मतलब आपका होते हुए भी आपका टेस्ट वगैरह सब अच्छा है चीजों के लेकर, लेकिन हर एस्पेक्ट में आपको कहीं ना कहीं कमी लगती होगी. जैसे आपके पेरेंट्स से आपको थोड़ा सा फर्क रहता होगा, पेरेंट्स के साथ बहुत डीप कनेक्शंस में वहां पर फर्क रहता होगा. आपको एक लीडर बनने की जो है उसमें आप लीडर बनकर उभर कर नहीं आ पाते होंगे, है ना. थोड़ा सा इमोशनल बैक्स उसमें आ जाते हैं. देन आप अगर आपको मान लो काउंसलिंग करते हो आप, तो आपको अगर चाहिए भी कि मैं इनसे इतना फीस ले लूं, तो आप खुल के उस चीज को बोल नहीं पाते हो. आप मार्केटिंग और वो वाला जो प्रोफेशनलिज्म होता है ना, उस तरह से कि प्रोफेशनली कि नहीं इतना फीस और इतना ही होगा, वो आपके बस की बात नहीं है अभी. धीरे धीरे इट विल कम, बिल्कुल बट अभी तो नहीं है. ठीक है ये बात। कम्युनिकेशन से मतलब आपको खुद को थोड़ा सा लैकिंग लगता होगा. कम्युनिकेशन इज नॉट दैट कि आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं करते होगे. कम्युनिकेशन इज आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस की, जो आपके मन में बातें बहुत बार दबा दिया उनको, है ना, वो चीज है. एंड प्रॉफिट्स भी आपको पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका मैनिफेस्टेशन मैं कहूंगी स्लो है चीजों का. तो वो चीजें हैं. इमोशनली आप इसको पहली बात तो जो आपका इसमें एक मेजर कंसर्न है, जो मैंने हेल्थ का आपको शुरू में बताया, उस वजह से मैं कहूंगी बाकी सब चीजें आप चला भी लेते हैं, आप इसको चेंज कर लीजिए इस वॉच को, है ना. तो लास्ट में मैं आप सब लोगों को भी एक चीज बताऊंगी, चेंज भी ऐसे ही नहीं करना कोई भी वॉच पहले ना आप बात करना पहले, है ना, कि कौन सी वॉच लेनी चाहिए. बिकॉज ऐसा नहीं हो कि एक छोड़ा दूसरा भी वैसा आ गया, तीसरा भी वैसा आ गया. बिकॉज पता है बहुत मुश्किल होता है सही चीज लेना. हमारी लाइफ में ना कर्मा और भाग्य एक चीज होती है. जो लोग वास्तु वगैरह करते हैं वो सब चीजें समझते होंगे कि आप जैसे हमारे लिए डेस्टाइंड होती है ना चीजें, कहीं ना कहीं हम वैसी चीजें अट्रैक्ट करते रहते हैं. जो लोग वास्तु करते हैं ना वो समझते हैं ये बात. एक पर्सन है किराए के मकान पे रहता है या कैसे भी रहता है, उसको शिफ्ट ट्रांसफर्स होती रहते हैं. वो जहां जाएगा ना उसकी डेस्टिनी के हिसाब से उसको जो चीज गड़बड़ मिलना है ना, उसको हर घर में वो चीज गड़बड़ मिलेगा. वो कितने शहर बदल ले, कितने घर बदल ले, उसके सब घरों में एक वो पैटर्न गड़बड़ का वो कहीं ना कहीं बना रहेगा. सो दैट वे हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये चीज. आप दूसरा भी ढूंढने जाओगे तो ये तो बहुत मेजरली आपको हेड पे तो बहुत इम्पैक्ट कर रही. कब से आपके पास घड़ी? 6 साल हो गए। 10 साल? नहीं, 6 से 7, 16 में नहीं। ओके. और ये आपका मतलब ऊपर जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है कान वगैरह में या और भी कोई कान की प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो मुझे बचपन से है, मेरी दो मतलब सर्जरी भी हो चुकी है।
नहीं तो और भी कोई प्रॉब्लम जो इस घड़ी को लेने के बाद इंक्रीज हुआ होगा, या तो या अभी आपको ज्यादा बोदर करने लग गया होगा। कुछ नहीं कह सकती, अभी कुछ माइंड में नहीं आ रहा है। अब सोचना, बिकॉज इससे वो चीज को ना और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है ना, तो वो चीज आपको मतलब ऐसा, इस घड़ी की अलग से आप जब बात करोगे तो मैं आपको बताऊंगी ये वाला घड़ी नहीं रखना चाहिए। थैंक तो यू आपको कैसा सो लगा मच, कि कितना सही है प्रेडिक्शंस आपके? 100% वेरी नाइस, ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच आपका ज्वाइन करने के लिए, एंड आपको जो भी एक बार आप बात करके लेना दूसरा वॉच। आपसे बात करूं। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक बाय यू, बाय। बाय। ओके, मीरा जी है यहाँ पर, मुझे उनका घड़ी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था ये। मीरा जी, आई थिंक मीरा जी यहाँ पर नहीं है। ओके, ज्योति जी ने, ज्योति जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम हाँ जी, आपकी एक मिनट, कौन सी आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी, कहाँ भेजी थी? व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे जी व्हाट्सएप पर, अच्छा ये वाली ना, हाँ बच्चों वाली। हाँ ओके, ये वाली है, यस मैम, ये हाँ ना ये वाली है। डिजिटल वॉच है। डिजिटल वॉचेस ना वैसे मतलब इनका अलग ही तरह का एनालिसिस होता है, बट ये क्या है कि आपको हमेशा रन पे रखती होगी। रन मतलब आप हमेशा भागे 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 दौड़े काम करते रहते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यू कैन नॉट सिट इन रेस्ट, के आराम से बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वो चीज आपसे हो ही नहीं पाएगा। ये आपको काम लगा के रखेगी फुल ऑन, है ना। एंड आपने जो इस पे वो लगा रखा है, ये वाला लगा रखा है ना। सो बच्चों से मतलब आपके दोनों डॉटर से आपको बहुत प्यार है, एंड थोड़ा सा आपका जो है फेमिनिस्टिक ओरिएंटेशन रहता है, एंड आपका इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा हेलो, वॉच का इसका, नहीं जो इसमें क्या है कि आपका ठीक है, आवाज एक्सेप्टेंस है सबके लिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रैप आ वगैरह ना उससे हम बता रहे हैं, आप में एक्सेप्टेंस है सबके लिए रही और आप अपने एफर्ट्स पूरे करते हो, बट फिर भी आपके है। ना ये आवाज किसके कहाँ से आ रही है? ठीक है किसी की साउंड आ रही थी। हाँ, जो आपकी चीजें हैं वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि जितना आप डिलीवर करना चाहते हो, जितना आप कमिटमेंट्स लेते हो, आपका उतना कमिटमेंट आपकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से पूरा नहीं हो पाता होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट में आपके मतलब डिलीवरी में आपको लास्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा, वो कि हाँ मैंने अपने मन से जितना चाहा था
उतना मैं 100% नहीं कर पा रही हूँ. मतलब यू आर अ पर्सन जो मोर देन 100% देना चाहता है और अभी देना 100% नहीं हो पा रहा है, थोड़ा कम साइड रहता है. एंड मैनिफेस्टेशंस थोड़ा स्लो साइड जा रही हैं आपकी. और आपका जो काम है, आप बिजनेस देख रहे हो ना शायद अभी, तो आपका बिजनेस जो है वो डिजिटल टाइप का है या कुछ प्रोडक्ट्स में है? आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा. मैं दोबारा से करूँ क्या आपको? ओके हाँ, आप खुद को अनम्यूट कर सकते. तो आपके वो प्रोडक्ट्स, मतलब अगर आपका डिजिटल है, मतलब इस वॉच से आपका डिजिटल काम तो ठीक ठाक हो जाएगा, बट दूसरे काम को ये वॉच सपोर्ट नहीं करेगी उतना, तो वो चीज है. एंड इसके अलावा बस इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा वो हो नहीं पाता है, इसका थोड़ा ही होता है डिजिटल का. बस ये है कि इट विल कीप यू ऑन द रन एंड आपको हमेशा दौड़ा के भगा के रखेगी. एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस वजह से आपको स्ट्रेस बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन स्ट्रेस खिंचाव रहेगा हमेशा. एंड बस इससे ना बहुत ज्यादा और चीजें तो हम नहीं बता पा सकते. इसका कम ही होता है ना एनालिसिस जो डिजिटल वाली होती है. दूसरी वॉचेस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोगों के अंदर, बट आप एज अ पर्सन आप, हाँ ये है कि सिंपलिस्ट पर्सन हो, सिंपल रहना पसंद है, कोई शो ऑफ नहीं करना, कोई दिखावा नहीं है. वट एवर यू आर तो आप अपना आपको पूरी तरह से मतलब ऐसे सिंपल रखते हो, कुछ भी दिखावा नहीं, दूसरों को खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं. एंड मतलब आप बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहते हो कि अपनी जिंदगी में जो भी आप कहीं ना कहीं उस तरफ अग्रसर होगी, अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो उन चीजों को. बट दूसरा आपको ना दूसरी डिजिटल की बजाय एनालॉग जो वॉच होती है ना, न्यूमेरिक वाली, उस पे शिफ्ट करना चाहिए. उसमें भी कैसे नंबर्स होने चाहिए दैट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस है जो आप अगर खुद को अनम्यूट करना चाहते तो कर सकते हैं. आपका जो बिजनेस है ना, जो काम है, एग्जैक्टली उसमें क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के नंबर्स वगैरह उसमें लेने चाहिए. मैम मैं क्रिस्टल्स जो है, सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट जो है वही सेल करती हूँ, और अभी तो मैंने उसके लिए अच्छा खासा सेटअप बना लिया है. मतलब मैं डायरेक्ट होलसेलर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहीं से ले आती हूँ, ताकि मैं सभी से कम रेट में सेल कर करूँ. हाँ नहीं, आई थॉट कि आप वो ब्रदर वगैरह के साथ बिजनेस. नहीं, उनको सिर्फ मैं हेल्प करती हूँ, आई हेल्प हिम. अच्छा, ये आपका अभी आप ये कर रहे हो? हाँ, मेरा खुद का मैंने सेटअप कर लिया. इसके लिए आप एक बार मुझसे बात करना, आपको एक अच्छे वाली वो सजेस्ट करूंगी जो आपको उस काम में वो करेगी. ये आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज तो रखने में, मतलब चीजें ऑर्गेनाइज करने में वैसे तो हेल्प करती है, बट चीजें ना उतनी ऑर्गेनाइज हो नहीं पाती है क्योंकि ये आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये लगा के रखेगी. आपको बैठ के सोच के उस काम को ना बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए जो एक दिमाग चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है ना, कंसंट्रेशन चाहिए होता है, वो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का छीन लेती है. नहीं मैम, आप सही बोल रहे हो. हाँ. जो आपने बताया है वो 100% सही है, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि मैं इतना बिजी तो रहती हूँ लेकिन फिर भी मेरे काम कंप्लीट हो नहीं पा रहे हैं, और मैं इतनी भागदौड़ करती हूँ, और मेरे बहुत सारे मल्टीपल सब चीजें, मेरी अलग अलग बहुत सब चीजें चलती रहती है. मतलब बहुत भागदौड़ और बहुत सारी चीजें होती है, और मैं उनको मतलब कि मैं कॉप अप भी नहीं कर पाती हूँ. ऐसे है कि क्लाइंट के ऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं बट मैं वो भी डिलीवर नहीं कर पाती हूँ. आपको एक दूसरा बताऊंगी जो आपको क्रिस्टल के बिजनेस में भी बहुत हेल्प करेगा. इसीलिए मैंने कहा कि बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो अभी क्रिस्टल्स का, मतलब
काफी लोग उसको साइड बिजनेस की तरह करते हैं, तो आपने बताया जरूर था, बट आई थॉट कि ठीक है उसको थोड़ा करते होंगे। नहीं मैं फुल फ्लेश में और काफी बल्क में स्टॉक लेके और मैं मतलब काफी करती हूँ। आपको तो ये घड़ी फिर भी आपने बहुत सिंपल रखा हुआ है। कई लोगों को तो ऐसा ये करती है कि वो ना इधर से उधर नहीं देख पाते हैं, उनको तो पता ही होता कि किस डायरेक्शन में जाए, इतना ज्यादा उनको वो कर देती है, बिकॉज बहुत फीचर्स होते हैं। अब लोगों को उसको लेकर फिर हेल्थ का भी होने लग जाता है, ये भी करना है ये भी करना है, जितने इससे फीचर्स होते हैं ना उतने ही वो उसमें काम में लगा के रखती है। मैंने आपको इसीलिए बोला यू आर कीपिंग इट सिंपल, तो फिर भी ये आपको मतलब जितना दूसरे लोगों को परेशान कर सकती है ना आपको उतना नहीं कर रही। ठीक है अपना, और आप लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने में, और जो ओकल्ट का आपका है वो भी साफ दिख रहा है इसमें, आपका इंटरेस्ट है ना वो भी दिख रहा है। मैं वो करती हूँ ना उसी के साथ ही है ना सारा। हाँ तो वो भी दिख रहा है इसमें। हाँ लेकिन प्रॉफिट्स तो काम कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं है मार्केटिंग अभी तो। थैंक यू वर्क। हाँ थैंक यू वर्क हो रहा है ना, थैंक यू वर्क। तो एक बार आप बात करना अच्छे से, वॉच लेंगे और उससे अच्छा मतलब आपको क्रिस्टल बिजनेस में बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू मैम। और अभी मुझे इसलिए था निकलना बिकॉज कि मेरा लामा फेरा का एक ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो वो 5 बजे का है, तो आ ही रही होगी अब। ठीक है चलेगा। हाँ जी हाँ, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। और आपने जो भी बताया सब सही है। चलिए थैंक यू। ओके शीतल की घड़ी बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो आए क्या शीतल मीटिंग में, उन्होंने मुझे भेजी। ओके साक्षी की घड़ी लेते हैं, पारुल आपकी भी घड़ी लेते हैं। यस साक्षी है ना मीटिंग में, साक्षी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, और साक्षी आप कैमरे पे आ सकते हो क्या? हाँ जी साक्षी, आपने राइट हैंड में पहना हुआ है, राइट में ही पहनते हो हमेशा? हाँ जी दीदी, जो मेरे लेफ्ट पे रहती है ये तो जस्ट पिक लेफ्ट में पहनते हो ना? हाँ जी। राइट में नहीं पहनते ना? नहीं। तभी तो मैं देख के हैरान हो रही हूँ कि ये घड़ी आपने राइट में पहनी है, और राइट वाले आप हो नहीं हो। नहीं लेफ्ट में। तो आप बेसिकली बहुत इमोशनल हो और कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंड कर जाते हो, आता है सब कुछ बहुत अच्छी नॉलेज है, जैसे क्वीन होती है ना, क्वीन बहुत पावरफुल होती है, लेकिन वो उसकी ना आदत ये होती है कि भाई राजा ही करेगा और मैं सेकंड रोल ही प्ले करूं, तो कहीं ना कहीं आप वो रोल प्ले करते हो, यू कैन डू एवरीथिंग बट फिर भी आप सोचते हो कि नहीं ये सब काम मेरे नहीं है, मुझे तो सबको फॉलो करना है। आप वो लीड लेते ही नहीं हो, डिपेंडेंसी रहती है कि इंडिपेंडेंट आपका नेचर होते हुए भी आप डिपेंडेंट हो रहे हो। बिल्कुल राइट है। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा आप अपनी मम्मी से अटैच्ड हो है ना, और बहुत सारी छोटी छोटी इसमें इसमें ये दो ही नीडल्स है ना जो मुझे नजर आ रहा है, ये तीसरी निकल रही है इसमें, दो ही है, दो ही है ना? हाँ
तो आपकी बहुत सारी ना छोटी छोटी चीजें अक्सर आप किसी भी वजह से या तो छोड़ देते हो या छूट जाती है। हर एक बारीक से बारीक छोटी छोटी सब चीजों पे आप ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, मेजर चीजें की मान लो अपन कहें कि आपको प्लानिंग करनी है तो डेज की प्लानिंग नहीं, मंथ्स की प्लानिंग कर लोगे, साल की प्लानिंग कर लोगे, लेकिन डेज की नहीं हो पाएगी। तो वैसे ही मतलब आप बड़ी चीजों पे ध्यान दोगे, मीडियम चीजों पे ध्यान दोगे जो ठीक ठाक एवरेज इंसिडेंट्स होते हैं, एवरेज इवेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी हाँ छोटी जी छोटी हाँ छोटी छोटी बारीक चीजें काफी सारी छूट जाती हैं या छोड़ देते हो, है ना। तो वो कैसे भी हो सकता है। तो वैसे है, बाकी आपको थोड़ा सा अपना सर्कल मतलब जो है आप हर किसी के साथ नहीं बनाते हो, आप थोड़े ठीक लोग बिल्कुल ढूंढते रहते हो, लेकिन आपकी सब मैनिफेस्टेशंस आप जो भी ढूंढते रहते हो ना, सब चीजें पूरी नहीं हो पाती है कहीं बिल्कुल ना सही कहीं। बात सब चीजों में हर तरह से हर एस्पेक्ट में कमी चल रही है, अपने कैरियर में, नॉलेज गेन में, है ना, रिलेशनशिप्स में, मतलब वो जो सेटिस्फेक्शन का एक लेवल होता है ना बहुत हाई वाला, वो चीज है। और दूसरा बात है कि चाहते हो जिंदगी में ब्रांड बन जाओ, जिंदगी में मेरा नाम हो जाए, लेकिन उसको दबा के छोड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है उसको बिल्कुल उसको आप उतना एफर्ट्स कर ही नहीं पा रहे हो। एफर्ट्स क्या मतलब, उस डायरेक्शन में आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो, कोई उस तरफ आपका थोड़ा कोशिश है, पता है करना है जिंदगी में कुछ, लेकिन मतलब उसको बिल्कुल ही बेचारे को उठाकर रखा हुआ है। बिल्कुल तो सही वही है चीज है। भैया दूसरा कम्युनिकेशन में, एक्सप्रेशन में बहुत चीजें दबा लो, बस अंदर दबा के दबा के दबा के, बोलूं या नहीं बोलूं, इनसिक्योरिटीज, डर कि भाई कोई नाराज नहीं हो जाए, सबको खुश करते रहने की कोशिश लगी रहती है आपकी। और जो आप भी रिलेशनशिप्स अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हो, बना के भी रखते हो, पूरा कमिटमेंट आपका रहता है रिलेशनशिप्स में कि कैसे भी करके सबको खुश रखना है। और मतलब हर चीज में ईगो कोई नहीं, ग्राउंडिंग करके रखते हो कि ठीक है जैसे भी सब लोग खुश रह जाएं तो अच्छा है। अब मन में कुछ भी चल रहा हो लेकिन ऊपर से सो जो भी अनरेस्ट है दबा लिया, अंदर दबा लिया, अंदर दबा लिया, तो वो एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है कोई भी चीज। नॉलेज का आपकी तीन चार चीजें मेजर हैं, आप खुद को ब्रांड बनाना चाहते हो, आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, आप अच्छा प्रीमियम क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हो, और हेल्थ भी अपनी इंप्रूव करना चाहते हो। ठीक है, ये इन सब चीजों को छोड़ के अभी आपका फोकस किसी और चीज पे नहीं है। बाकी जिंदगी में बहुत चीजें होती हैं कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करना भी मैं कह सकती हूँ, प्रॉफिट्स गेन करना हो सकता है आपका, मैं बहुत काम करूं, बहुत हार्ड वर्किंग हो जाऊं और बहुत चीजें खड़ी करूं, वो सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी आपका किसी चीज पे नहीं है। अभी आपका ये चार चीजों पे मेजर है, लेकिन हो इन चारों में से भी कोई नहीं पा रहा। ना हेल्थ का उतना पूरा बिल्कुल ध्यान रख रहे हो, बिल्कुल ना ही वो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ लाइफ हो पाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास चीजें नहीं है या आपको मिल नहीं सकती, आप डिमांड ही नहीं कर रहे हो, है ना, आप लाइफ से डिमांड ही नहीं कर रहे हो, आप बस जो भी है ठीक है चल रहा है एंड मैं गुजारा कर रही हूँ उससे। मैं फाइनेंशियली नहीं कह रही हूँ बट मन की इच्छाओं की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात है, जो ब्रांड वाला है उसका भी आपने मतलब बस दबाकर छोड़ा हुआ है हर चीज को, हेल्थ का भी है, दूसरी चीजों के अंडर उसको बोग डाउन कर रखा है आपके, लेकिन है माइंड पे चारों चीजें, ये चार बिल्कुल चीजें सही आपके है माइंड में हैं, है बिल्कुल सही ना। तो ये सब चीजें मैं आपको जानते हुए भी देख के बता रही हूँ। और इमोशनल तो मैं खैर शायद पता नहीं मैंने बोला कि नहीं बोला, भर के इमोशनल, फुल इमोशनली इमोशनल है ना। एक्सेप्टेंस है सबके लिए, ठीक है जो मर्जी आ जाए, बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं है, बहुत रिजर्व नहीं करने की कोशिश करते हो, सब चीज मतलब ओपन ही चलता रहता है, जो भी आता है आपको इम्पैक्ट करके चला जाता है, हर किसी को इम्पैक्ट करने दे रहे हो खुद को,
तो वो सब चीजें ये बोल रही है। बिल्कुल राइट है दीदी जी, जो ये आपने 4 पॉइंट्स पकड़े बिल्कुल ही, मतलब बस वो 4 है बिल्कुल। हाँ जी हाँ बिल्कुल ही सही तो चल रहा है, अलग बात है लेकिन वो 4 है दिमाग पे। हाँ जी तो काफी सही प्रिडिक्शन है। नहीं उसमें वो दिख रहा है, मतलब मेरे को तो अभी भी कितनी बातें, मतलब कभी कभी ऐसा तो मुझे खुद को रोकना पड़ता है, घड़ी इतनी चीजें बता देती है, इतनी चीजें मैं उसको देखती रहूंगी तो मैं शाम तक रात तक भी बोलती रहूंगी आपकी घड़ी के एक बारे में। तो लेकिन बहुत सारी हैं और भी चीजें हैं तो वो भी यहाँ पर नहीं डिस्कस करते, थोड़ा अपने को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लाइफ को पकड़ो, इतना इतना छोड़ दोगे ना सबके भरोसे तो फिर कुछ मिल नहीं पाएगा। बिल्कुल वो है, ये घड़ी भी दे दो किसी को, नहीं तो ये तो बहुत इमोशनल करके आपको। कब से ये घड़ी साक्षी? अप्रोक्सीमेटली 2 साल हो गए अभी तो, ये मतलब बहुत कम पहनते तो इतना अच्छा प्रेडिक्शन है। पहले कैसे घड़ी थी, उससे पहले भी ऐसी मतलब पहनते थे घड़ी उससे पहले? उससे पहले की है अनमैरिड टाइम की, मैरिज से पहले गोल्ड। हाँ जी अनमैरिड, वो मतलब ब्लैक स्ट्रैप्स लेदर और रोम्बस शेप थी, गोल्डन था और बैकग्राउंड जो था उसका वाइट था। गोल्डन वो थे और स्ट्रैप किस कलर का था? ब्लैक, ब्लैक ना, ब्लैक गोल्डन का मैं वही सोच रही थी। आपका मतलब ये ना, आप वो घड़ी है वो यूज करना शुरू कर दो, है इस टाइम है ठीक है, दिखाना मुझे एक बार, मतलब उसमें भी कई चीजें देखने वाली होंगी लेकिन कुछ चीजों के हिसाब से इससे बेटर वो वाली है। पहले इंडिपेंडेंटली रहते थे ना, सब जगह जाते थे करते थे और सब काम भी करते थे, तो इसलिए मैंने पूछा कि वो पहले कौन सी घड़ी थी आपके पास। वो है अभी मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी, दिखाना मुझे भेजो है ना, तो बताना वो कैसी है, वो इससे बहुत बेटर होगी ठीक है। इस ये अननेसेसरी आपको बहुत इमोशनल बना रही है, अननेसेसरी आपको बहुत ओपन बना रही है, मतलब हर कोई आके इम्पैक्ट कर जाएगा ठीक है। तो इसका भी क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, इस बारे में बात करते हैं ठीक है ना। तो ये वाली तो मत पहनो, और दूसरी बात है आपने गलती से पहनी है राइट हैंड पे, बट जब मेरे सामने आओगे तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि राइट पे ही पहनो, अब ये जो गलती से हुआ है ना ये कंटिन्यू करना ओके ठीक है ना, ये भी सबकॉन्शियस का इशारा होता है साक्षी ओके ठीक है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा राइट हैंड में पहनने से, राइट हैंड में ठीक है। तो प्रेडिक्शन ऐसे ही कर लिया ना, ये आपके सबकॉन्शियस का इशारा है, इसको पकड़ो और इस रास्ते पे चलो जो यूनिवर्स ने आपको एक बार में बता दिया कि ये करो ठीक है ओके। चलो तो बाकी सब चीजें आपको कैसे लगी कि ठीक है, बाकी सब चीजें, बाकी सब चीजें आपको देखकर बताइए, आपको देखकर नहीं बताएंगी। हाँ बिल्कुल दीदी, मतलब हर चीज 100% थी, मतलब वो 4 पॉइंट्स मतलब था बिल्कुल ही सही में जो भी माइंड में चल। मैं जब लोगों की घड़ियां एनालाइज कर रही थी ना मतलब मेरे रिसर्च वर्क के लिए, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि अरे इस तरह से तो हमने सोचे नहीं था कि हमारी लाइफ ऐसे ऐसे और ऐसे कैटेगराइज है। कैटेगराइज में हां जी, आपकी घड़ी में 12 नंबर्स होते हैं, 12 चीजें होती हैं, नंबर मुझे यहाँ दिख नहीं रहे फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, उन 12 में से सिर्फ 4 चीजों पर ध्यान दे रहे हो आप, ध्यान मतलब ध्यान माइंड पे है, ध्यान तो नहीं दे रहे हो माइंड में है, बैक ऑफ द माइंड
आप उनको रख के चलो, वही आपकी उससे आगे का अभी सोचना ही नहीं है आपका, तो वो चीज है। और बच्चे बच्चे कंसर्न है लेकिन उनका भी पूरी तरह ध्यान नहीं रख पा रहे, बच्चों के लिए जो सब करना चाहते वो भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल नहीं हो पा रहा उतना, मतलब उतना क्या काफी नहीं हो पा रहा है ना, जितना सब पूरा पूरा जितनी चीजें करना चाहते हो, पढ़ाई बच्चों की और उनके साथ टाइम स्पेंड और सब चीजें, तो वो सब मिक्स मिक्स होता चला जा रहा है ना, तो वो भी मतलब ये घड़ी इम्पैक्ट कर रही है, उतना भी इम्पैक्ट कर रही है। वो दूसरी भेजना आप मुझे, ठीक है। अभी वैसे डिजिटल है जो आई है वो पहननी चाहिए कि नहीं, वो भी आप थोड़ा उस बारे में बात करेंगे कि अभी कैरियर की क्या ओरिएंटेशन लेके चल रहे हो। ओके, तब वो भी सब डिसाइड करेंगे कि डिजिटल पहनो या नहीं पहनो। ओके ठीक है, मुझे वो वाली दिखाना जो दूसरी है, और नहीं तो फिर कोई और देखेंगे। ठीक है, चलो अभी हम नीरज ही आए, मेरे को नीरज की घड़ी करनी है, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग घड़ी है। थैंक यू साक्षी। मीरा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपको पिन भी कर देती हूँ। हाँ जी माँ, हाँ जी, हाँ जी। मीरा जी की घड़ी का है। ओके, यहाँ पे कहीं बड़ा करने का ये क्या ऑप्शन। मीरा जी आपकी घड़ी ना, मतलब मैं अच्छी नहीं कह रही लेकिन मस्त है, काफी फीचर्स हैं इसमें, काफी कुछ है एनालाइज करने के लिए। बोलते रहो इसको, तो इतना कुछ बात कर सकते हैं हम लोग इस घड़ी के बारे में, मतलब काफी अलग है। मैंने इतनी घड़ियां देखी बट ये काफी अलग है, लेकिन आप नहीं पहनो इसको, अलग है इज ओके, लेकिन आप मत यूज करो, ये आपको बहुत ट्रबल कर रही है। कितना पहनते हो आप इसको, कितना यूज करते हो? बहुत कम मैम, बहुत कम। नहीं, जैसे बाहर जाते हो तो मतलब यही घड़ी पहनते हो या कोई और? पहनती नहीं घड़ी मैं, अभी ना दो कड़े पहनती हूँ गोल्ड के, खाली घड़ी में ना टाइम इतना नजर नहीं आता, इस वीक है तो आप मोबाइल में देख लेती हूँ आजकल टाइमिंग मेरा ना, तो ये तो आपने कहा रखी हुई थी बहुत पुरानी मेरी, मैंने निकाली। पहनी है वैसे आपने बहुत साल? हाँ पहनी है मैम, हाँ जी है ना। चलो इसको, इससे आपको आपके बारे में कुछ बातें बताते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसको ना मत रखो अपने पास। okay. हो सकता है आपकी बहुत यादें, मतलब ये साफ करिए कि आपको यादें सहेज के रखना बहुत अच्छा लगता है, जो पुरानी यादें हैं, पुरानी चीजें हैं, है ना, हर एक चीज को आप बहुत संभाल के रखते हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीजें, तो लेकिन आपको इम्पेक्ट भी कर रही है उसकी एनर्जी। और दूसरी बात है, ये आपको बहुत इमोशनल बनाती है, मतलब या आपके बारे में बताती है कि बहुत इमोशनल हो आप, लोगों से बहुत कुछ, मतलब आप अपनी तरफ से मन से दिल से सबका करना चाहते हो, इमोशनली आप सबके लिए करना चाहते हो, आपको मन करता है मैं सबके लिए पता नहीं क्या क्या कर दूं, लेकिन आप वैसा एक्सपेक्ट भी करते हो और वो मिल नहीं पाता है, वो मिल नहीं पाता है तो आपको तकलीफ होती है ना। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं आपके मन में इनसिक्योरिटीज और दूसरे लोगों पे अविश्वास थोड़ा सा रहता है, आपको हर किसी पे पूरी तरह विश्वास नहीं रहता कहीं ना कहीं, मतलब कोई चीजें हैं एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है, कुछ भी बातें ऐसी हो सकती हैं कि आपको थोड़ा लोगों पे अब विश्वास कम हो रहा है, कम है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि बस आंखें बंद की और विश्वास करके चल दिए, आपको वो थोड़ा सा
वो चीज रह रही है, विशेष जो है पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, काफी स्लो, बहुत कम मैनिफेस्ट होते हैं। जो जो चीजें आप जिंदगी में चाहते हो ना, या चाही थी आपने, जैसे अब आपकी पुरानी घड़ी है, तो पूरी जिंदगी में भी आपको जितना कुछ आपने चाहा, मैनिफेस्टेशन स्लो रही होगी, काफी स्लो रही होगी, है ना। मतलब हर चीज ऐसा नहीं कि आपने सोचा, आपने चाहा, और इससे पहले कि आपको तकलीफ होनी शुरू, उससे पहले यूनिवर्स ने दे दिया, नहीं वैसा नहीं हुआ होगा, है ना। तो आपका स्लो रहा होगा हमेशा ही, और इमोशनल भी रहे आप, और पास्ट में काफी ज्यादा आपका ध्यान रहा, पास्ट से मतलब पुरानी चीजें, पुरानी यादें सहेजना, जोड़ के रखना, संभाल के रखना, है ना। तो बहुत ज्यादा आगे का सोचने की बजाय आप उन यादों को ज्यादा सहेज के रखने में बिलीव करते हो, जो पुरानी जितनी भी चीजें हैं, यादें हैं, बातें हैं, है ना। और दूसरा बात है रिजर्व रखते हो खुद को। मैंने अभी भी किसी को बताया था, आप थे नहीं उस टाइम मीटिंग में, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ एक शेल सा बना लेते हैं कि हर कोई आके उनको हर्ट नहीं कर पाए, हर कोई उनको वो नहीं कर पाए, तो वो रिजर्व होने लग जाते हैं, हर किसी से उतना ज्यादा ओपन नहीं होते, थोड़ा सा रिजर्वनेस आ जाती है। लेकिन अभी एक्सेप्टेंस है, ओपननेस है, लेकिन उसमें रिजर्वनेस का टच है। आप अपने अपने आप को अपने तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज है जो कि आपको इम्पेक्ट कर रही है, और कई सारी चीजें। हाँ, आपको चीजें अच्छे से सुंदर तरीके से रखना पसंद है कि चीजें सुंदर सी हो, अच्छे से हो, लाइफ में ब्यूटी थोड़ा ऐड हो, तो घर में आप चीजें काफी मतलब सुंदर अच्छे तरीके से रखते होंगे संभाल के, तो वो चीज है वहां पर। और आर्टिस्टिक थोड़ा सा आपका रहता होगा टेस्ट में, कि आर्टिस्टिक चीजें आपको रखनी है अपने आसपास। और रिलेशनशिप्स में गैप्स हैं, मतलब एनर्जी लीकेजेस हैं रिलेशनशिप्स की, जो होती है ना एक सेटिस्फेक्शन होती है, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं लीक आउट हो जाती है। अब तक वो रिलेशनशिप्स की वार्म्थ पहुंचने से पहले गर्माहट पहुंचे, उनकी रिलेशनशिप्स की सिक्योरिटी आपको मिले कि हाँ मेरे पास बहुत सब लोग हैं, उससे पहले ही वो एनर्जी कहीं ना कहीं बीच में से गायब हो जाती है। तो वो चीजें हैं जो मतलब आपको काफी इम्पेक्ट कर रही हैं। बाकी आपके अंदर थोड़ा गहराई है जिंदगी को संजीदगी से समझने की, बहुत ज्यादा चीजों को ऐसे ही नहीं उड़ा देते हो हवा में, हर चीज लेट गो हो नहीं पाती है, चीजें थोड़ा मन पे रहती है, तो वो चीजें हैं। इसके अलावा मतलब ब्यूटी का तो है ही है आपका, थोड़ा सा ब्यूटी पे ध्यान रहता है, चीजों की सुंदरता, मतलब वो लोगों के मन की सुंदरता भी हो सकती है, ऊपरी बाहरी सुंदरता नहीं, जो एक अंदरूनी सुंदरता होती है ना, ग्राउंडेड सुंदरता होती है, उस पे आपका ध्यान ज्यादा रहता है, तो वो है। बाकी मतलब कड़ियां थोड़ा वो है कि कहीं ना कहीं मतलब सब रिश्ते और सब कमिटमेंट्स में, कमिटमेंट्स जितने भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं ढीलापन आता जा रहा है, आपका मन उठता जा रहा है चीजों से, लोगों से, रिश्तों से, कामों से भी, हर एक काम करने का अब मन नहीं करता, तो वो चीजें इंपैक्ट कर रही हैं लाइफ को। अच्छा है कि घड़ी तो ज्यादा पहनी है भी मत। और ये आपने क्या राइट हैंड में पहना हुआ है? अभी आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। हाँ मैम, बिल्कुल सही बताया आज ना मैम, मुझे तो लगता है आपने 100% राइट है मेरे बारे में जो बोल रहे हो ना,
इस टाइम ऐसा ही हो रहा है। राइट हैंड में पहना हुआ है क्या? नहीं लेफ्ट हैंड में, मैं लेफ्ट हैंड है, इसमें थोड़ा पता नहीं चल रहा था। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में यार, जो और आपने बताया है ना, सच में ऐसा ही हो रहा आजकल मेरे साथ। मन उठता जा रहा है। हाँ, मन उठता जा रहा। और जो प्रेजेंटेशन नीरज जी, ये तो कोई नई बात तो नहीं होगी आपकी जिंदगी में, मन तो काफी सालों से उठा ही हुआ है ना। अभी ना करते करते ना मुक्ता गई हूँ। हाँ वो तो चलो उम्र का एक है, लेकिन मैं अगर घड़ी की बात करूँ, ये तो उम्र का तकाजा है कि अब वक्त आ गए हो, लेकिन मन तो बहुत सालों से उठा हुआ है। बिल्कुल सही। हाँ ये तो उम्र की वजह से है कि अभी आप वक्त आ गए, लेकिन मन बहुत सालों से उठ चुका है। हांजी हांजी, वो चीज तो पुरानी है। हाँ। अच्छा मैं आज ये घड़ी मैंने पहनी, बहुत पुरानी घड़ी थी मेरी, मैंने इसको आज पहनी, समझो 10 साल बाद पहनी होगी। तो आज मेरे हस्बैंड को ना जैसे फैक्ट्री में चक्कर आ गया, कोई रिलेट था इससे? नहीं नहीं, आप कोई घड़ी अपने हाथ में पहन रहे हो उससे आपके हस्बैंड की हेल्थ पे नहीं असर आ सकता। आपकी हेल्थ पे हो सकता है, और एकदम पहनते ही तो नहीं भी होता है। घड़ी तो मतलब जैसे महीना भर कुछ दिन पहनते तब जाकर असर, एकदम ऐसे कि आपने बहुत मतलब सालों के बाद पहनी आज ऐसे एकदम से कुछ हो जाए वो नहीं, उस वजह से नहीं। ये वाली घड़ी तो मत यूज करना। ओके, दे दूं किसी को? देने का भी एक रूल होता है, किसी को भी फ्री में नहीं देना चाहिए। चलिए सबके लिए कुछ टिप्स, अब सब लोग यहाँ पर हैं, तो घड़ियां ना कभी भी किसी को दीजिए मत। जो भी लोगों को मैंने बोला है ना, आप घड़ी कभी भी किसी को ऐसे मत दीजिए, आप उससे 1 रुपया 5 रुपया ले लो, ठीक है ना, लेकिन ऐसे ही मत दो किसी को भी। कोई भी जिनके पास भी कोई पुरानी ऐसी घड़ियां हैं जो लगे कि नहीं यूज कर सकते, चाहे वो टूटी हुई भी है ना, तब भी आप दे रहे हो तो बंदे को कह दो कि भैया 1 रुपया तो दे दे। ये एक्सचेंज पूरा करना, आप कुछ भी बोल के उससे 1 रुपया ले लो। बंदा कहे कि मेरे किसी काम की नहीं दे रही, या फिर भी 1 रुपया तो आप रख के जाओ। किसी को भी कभी भी ऐसे मत देना घड़ी, क्योंकि उससे क्या होता है, एक्सचेंज कंप्लीट नहीं होता तो आपकी एनर्जी उस पर्सन को चली जाती है, और आपका भी उसके साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। जैसे मैं हम किसी को गिफ्ट बर्थडे पे गिफ्ट घड़ी देते हैं, वो भी नहीं देनी चाहिए? कैसे? जैसे किसी को बर्थडे पे एनिवर्सरी पे कोई घड़ी विश करते हैं। पूरा चैप्टर है नीरा जी, हम ना वो कोर्स में करेंगे, वो एक पूरा बहुत डिटेल टॉपिक है, उस पे कई बातें हैं, बहुत डिटेल टॉपिक है वो। ओके, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, कब नहीं भी देना चाहिए, और क्या अवॉइड करना चाहिए, और क्या ध्यान रखना चाहिए, बहुत डिटेल टॉपिक है ना, उसको एक लाइन में सम अप नहीं कर सकते। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ तो लेकिन कोशिश करना चाहिए, हम लोग भी बहुत घड़ियां ही देते लेते थे, एक अच्छा प्रीमियम सा गिफ्ट लगता है, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि अवॉइड करना चाहिए। हम अपने हम तो सुंदर सी चीज को ही देख कर दे देते हैं, लेकिन अभी आपके सामने आई सब घड़ियां सुंदर ही थी, लेकिन किसी तरह उनको इम्पैक्ट कर रही हैं, तो इसलिए कभी हम किसी को ऐसी कोई घड़ी दे दें तो वो अपना भी कर्मा बन जाता है। जो चीज इतना किसी की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रही है और अपन ने सही नहीं दी, हो सकता है वो लोगों ने वो घड़ी वैसा एनर्जी इन्वाइट किया, अट्रैक्ट किया, जिसके पास जानी होती है ना वो एनर्जी यूनिवर्स उसके पास भेजता है, लेकिन आप मीडियम बन गए, आप माध्यम बन गए, तो इसलिए थोड़ा सा। हाँ जी ठीक, यस मैम, थैंक यू, बहुत कुछ मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी थी आपकी घड़ी, काफी टाइम के बाद ऐसी देखने को मिली। ब्लैक मेटल ना मेरी भी बहुत पसंद होता, ब्लैक मेटल की है ना ये? हाँ जी हाँ जी, मुझे बहुत पसंद होता था ब्लैक मेटल पहले, तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ वो है आप मत यूज करो। दूसरी बात है जो यूज करनी है, एक बार आप मुझसे बात करके फिर यूज करना कि कौन सी करनी चाहिए आपको। ओके मैम, ओके, आप बहुत इमोशनल हो, और कोई भी चीज ऐसा नहीं यूज करना जो आपको और इमोशनल बना दे। ओके मैम, है ना, अपने को स्ट्रॉन्ग बनना, और जो भी घड़ी पहनोगे तो आप राइट हैंड पे पहनोगे। राइट हैंड में, ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना, बाकी फिर क्लास में और पर्सनली बाकी सब बातें। थैंक
थैंक यू याचना मैम, थैंक यू नीना जी सो मच, आपने हमें मौका दिया एंड साथ में कंफर्म भी किया तो हमारी बड़ी हिम्मत बढ़ाई. चलिए थैंक यू सो मच. ओके अभी पारुल जी बहुत समय से वेट कर रहे हैं जी. जिनके नाम पे एम लिखा हुआ है सर आप मैंने पहचाना नहीं है आपका, थोड़ा सा आप चैट में इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब बहुत सारे नए लोग हैं बट अभी पारुल जी की घड़ी लेते हैं. पारुल जी आपकी कौन सी घड़ी थी, मुझे थोड़ा सा भूल गया, मुझे लगा मुझे सबकी घड़ियां याद रहेंगी बट किसमें है क्या आपकी घड़ी, ये तो उनकी है बच्चे की, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये किसकी है? ये वाली है पारुल जी. मैम प्लीज, या मैम ये तो मैं पहले पहनती थी, मैंने आपको दो भेजी थी, इसके नीचे एक ब्लैक कलर की है वो अभी रिसेंटली पहन रही हूं, दोनों ऑरेंज. हाँ मैंने सोचा तो सही, मेरे का दो घड़ियां थी कटी. या ओके और आपने शायद बोला कि अभी आप ये वाली ज्यादा पहनने लग गए हो ब्लैक वाली. जी अभी 2 वीक से मैं यही पहन रही हूँ क्योंकि मुझे गिफ्ट मिली है उसको. ऊपर तो मैम मेरी ये फेवरेट है, लाइक इट्स बीन 4-5 years. तो ये इसने आपको काफी इम्पैक्ट किया होगा, इसके साथ आपके एनर्जीज थोड़ा थोड़ा अटैच होनी शुरू होंगी लेकिन इसको अभी टाइम लगेगा इसका पूरी तरह से आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आना. तो अच्छा चलो एक चेंज का करते हैं, आप कंफर्म करो थोड़ा हमारी भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. तो आपने जो घड़ियों का स्विच किया और अभी इसको पूरी तरह से उसको पहनने लगी, तो क्या ऐसा हुआ कि पहले आप बहुत वो थे कि जैसे आप लोगों को आने देते थे, थोड़ा एक्सेप्टेंस था, ठीक ठाक सा है ना, लेकिन उसमें भी खैर आप प्रीमियम क्वालिटी देखते थे, लेकिन अभी तो आप बहुत धीरे धीरे रिजर्व होने लग गए हो, हर तरह के लोगों को नहीं अलाउ करते, बहुत रिजर्व कैटेगरी रखने लग गए हो अपने आसपास और नेचर वाइज भी रिजर्व होने लग गए हो. और साथ में चूजी का थोड़ा थोड़ा होगा कि चॉइसेस अब मैटर करने लगी हैं आपकी कि भी हाँ ये चीजें मेरे को पर्टिकुलरली, इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग चॉइसेस गलत होती है, चॉइसेस मतलब कि हाँ ये चॉइस मैं करूंगी और मेरे को ये गलत सही में चुनाव करके ये रखना है और ये निकालना है ना, तो वो चीज अब धीरे धीरे इस घड़ी से हो सकता है आपकी लाइफ में, अभी होनी शुरू हुई या नहीं हुई वो मैं नहीं कह सकती. बाकी एक चीज है कि इसमें क्या है, चलो अभी पहले इस घड़ी की बात करते हैं जो थोड़ा समय तक पहले, मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा चेंज हुआ होगा, थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ होगा, कुछ हुआ होगा तो ये काफी मेजर आपके साथ काफी समय रही है ना, तो आपका काफी ध्यान बहुत इधर उधर की चीजों पे भी रहता होगा, मतलब बिल्कुल फिक्स फोकस कंसंट्रेशन की बजाय कई चीजें आपको डाइवर्ट कर लेती होंगी जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका ध्यान इधर उधर इधर उधर कई सारी नॉन इम्पोर्टेंट चीजें जो आपके टाइम पे भी शायद थोड़ा टोल लेती होंगी और मतलब कुछ ज्यादा उनका लाइफ में रोल नहीं होगा लेकिन उन पे आपका ध्यान कहीं ना कहीं, अब आप ले जाओ ध्यान या वो चीजें आपको अपनी तरफ खींच लें बट कहीं ना कहीं तो इधर उधर आपका ध्यान होता रहा बिल्कुल फोकस्ड काम की बजाय,
कोई भी चीजों में कहीं ना कहीं आपका टाइम एनर्जी होता रहता था, है ना। एंड सर्कल्स यस आप बनाते हो कि ये मेरे इतने बाहर के सर्कल में लोग रहेंगे, उसके बाद इतने लोगों को मैं अंदर अलाउ करूंगी, उसके बाद मतलब बहुत सारे, उसके बाद इतने लोगों को, उसके बाद इतने लोगों को, और जो क्लोज भी लोग होंगे उसमें भी क्लोज में भी आपकी कैटेगरीज होंगी कि ये मेरे फैमिली के, ये मेरे ऑफिस के, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब अगर आप वर्किंग हो तो ऑफिस के होंगे या कहीं के भी, है ना, ये मेरी फ्रेंड्स के हैं, ये मेरे बच्चों के जो स्कूल वाला सर्कल होता है तो उसमें से कुछ क्लोज वाली फ्रेंड्स होंगी, पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के साथ के, मतलब आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग। तो आपने बहुत सारी कैटेगराइजेशन करके सर्कल सर्कल सर्कल, ये मेरा ये वाला सर्कल है, ये मेरा ये वाला सर्कल है, ये वाला मेरा सर्कल है, और इतने इस सर्कल में, ठीक है ये सब लोग तो अलाउड है, ये लोग इससे बाहर रहेंगे, ये लोग इससे भी ज्यादा बाहर रहेंगे, ये लोग इससे भी ज्यादा बाहर रहेंगे, और ये फालतू के लोग हैं सर्कल में है, मैं अलाउ कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसके अंदर नहीं आ सकते बस। अब अंदर रिजर्व 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 रिजर्व, और उसमें भी फिर कैटेगरीज रिजर्व में भी, कि आपको इतना परमिशन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का, या मेरी लाइफ में एंटर करने का, या मेरी लाइफ में पीक इन करने का, झांकने का, आपके पास बस इतना राइट है, आपके पास बस इतना राइट है। सो यू हैव प्रॉपर डिफाइनिंग, उनका बहुत डिफाइनिंग है, और आपका ये है, यस, आप अपने आप को एक ब्रांड की तरह देखना चाहते हो, और वो आपका या तो हो भी रहा है या हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आप को एक ब्रांड की तरह ना, मतलब ब्रांड मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ब्रांड से मतलब होता है कि एक आपको फेम चाहिए अपने लिए, अपनी एक पहचान चाहिए, ठीक है, और आप अपने आप को वो पहचान के रूप में देखना चाहते हो, और आपकी वो पहचान का कहीं ना कहीं हो भी पा रहा होगा काफी, आप मेजर भी उस पे। और जैसे मैंने अभी आप थे ही मीटिंग, मैंने साक्षी के बारे में बोला था ना, जैसे आपकी पहचान आपका ब्रांड है ना, खुद को ब्रांड जो बनाने का है, खुद की पहचान बनाने का, दूसरा नॉलेज, तीसरा आपका की लाइफ की क्वालिटी प्रीमियमनेस में, और चौथा हेल्थ, आपके फोकस इश्यूज हैं ये चारों आपके भी, बाकी इधर उधर की चीजें अभी नहीं फोकस कि मुझे कितने प्रॉफिट चाहिए, आपको नाम चाहिए, ब्रांड चाहिए, प्रॉफिट आपके दिमाग का इशू नहीं है, आपके मार्केटिंग अभी दिमाग पे नहीं चढ़ा है, जैसे मेरे है मार्केटिंग है मेरा, तो मेरे को पता है कि मार्केटिंग वगैरह के लिए क्या करना होता है, मैं बहुत मतलब आई एम 5 नंबर, तो मैं मार्केटिंग में बहुत ज्यादा वो हूँ, आपको वो मार्केटिंग इतना नहीं बॉदर करता, आपको प्रॉफिट्स उतने नहीं बॉदर करते, आपको वर्क स्पेस कैसा है और कैसा नहीं वो सब बॉदर नहीं करता, बट सबसे ज्यादा आपको मेन कंसर्न रहता है आपका मेरी खुद की पहचान, मैं क्या नॉलेज गेन करती हूँ, और नॉलेज के मामले में तो आपका बहुत मतलब अच्छा वो है, आप प्लानिंग उसकी ठीक ठाक कर लेते हो, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है नॉलेज का, और आपको मिल भी जाते हैं अच्छे टीचर्स वगैरह, नॉलेज अच्छी, सोर्सेज वगैरह सब आपको, नॉलेज के मामले में आपका मैनिफेस्टेशन है अच्छा, आपकी खुद की पहचान बनाने में आप अपने आप को स्ट्रांगली कर पा रहे हो, मैनिफेस्टेशन होने के डायरेक्शन में है, और थोड़ा जो ये नीचे कैसे नंबर्स है, जो आपका मतलब प्रीमियम ब्रांडेड लाइफस्टाइल का है, थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप महंगी चीजें चाहते हो, इट्स अबाउट प्रीमियमनेस ऑफ लाइफ, आप जिंदगी में बहुत क्वालिटी मेंटेन करके जो चलना चाहते हो ना, चीजों में हर चीज में, वो सब चीजें आपकी काफी हो भी पा रही होगी, है ना, क्वालिटी लाइफ की मेंटेन हो पा रही होगी। फिर आपका हेल्थ का है, इसमें ये हेल्थ वाले में बड़ा होती है क्या आपकी घड़ी, थोड़ा सा हेल्थ वाले का कुछ
हेल्थ के मामले में आपका ध्यान ना थोड़ा ऐसे रहता है, मेरी हेल्थ पहले ज्यादा अच्छी थी, मेरी हेल्थ पहले काफी अच्छी रहती थी, है ना। तो उस बेस, उस फाउंडेशन को दिमाग में रख के आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने पे काम करते होगे और काम करते भी होगे, है ना, थोड़ा उसका किसी ना किसी तरह से ध्यान रखते होगे और हो भी पा रहा होगा आपका। उसकी प्लानिंग आप पूरी अच्छे से करते होगे, लेकिन हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं कर रहे होगे या हो नहीं पा रहा होगा 100% इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग काफी करते हो उस बारे में, है ना, प्लानिंग अच्छा है उसका, हेल्थ का। आपके भी बहुत सारी चीजों में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर उधर की बेफिजूल की चीजों में ध्यान चला जाता होगा और वो आपका टाइम वेस्ट करती होगी कई चीजें, है ना, वो है। और रिजर्व का मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा सा रिजर्व रखते हो अपने सर्कल्स के साथ भी और नेचर वाइज भी आप थोड़ा सा रिजर्व, हर किसी से बहुत ज्यादा बोलना करना नहीं। और ये जो चार आपको इश्यूज बताए उसके बारे में आप चाहे बोल लो, बाकी चीजों को आप मतलब काफी जगह पे, आप थोड़ी जगह पे आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, बोलते हो वर्बली, लेकिन काफी जगह पे आप एक्सप्रेशन से ही काम चला लेते हो। कौन एनर्जी वेस्ट करेगा बोलने में करने में, गुस्सा करना तो देख कर ही गुस्सा करके हो गया कि बोल बोल के क्या करूंगी ना, एनर्जी वेस्ट होगा मेरा, नॉट वर्थ माई एनर्जी, इतनी तकलीफ नहीं उठानी मुझे कि ऐसी फालतू की चीज पे मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, समझ जाओ ऐसे ही समझ जाओ। तो कई जगह पे, थोड़ी जगह पर एक्सप्रेशन कर, तो जहां पे चाहिए जो आपके दिमाग पे है वो चारों चीजें, उसके लिए आप बोलोगे बात करोगे, बाकी सब चीजों के लिए आप एनर्जी वेस्ट करना वर्थ ही नहीं समझते। बोलना करना ज्यादा ऐसे नहीं कि हर बात में ही बोल रहे हैं हम, नहीं, आप उतना बोलना पसंद ही नहीं करोगे। ओके, इसको वापिस अब छोटा कैसे करेंगे। ओके, आ गया। मैं कई दिनों से ये ढूंढ रही थी कि बड़ा छोटा, क्योंकि ये जूम से तो हो नहीं रहा था। ओके, रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना के रखते हो अच्छे से और उनको बहुत स्ट्रांगली हैंडल करते हो, बांध के रखते हो सबको परिवार में, मतलब सबको एक कड़ी में अच्छे से बांध के, मजबूती से पूरे परिवार को बांध के रखते हो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली। और आपने मुझे बताया था ये आप किस हैंड में पहनते हो, आपका फिर से म्यूट हो गया। मैम मैं राइट में पहनती हूँ, राइट में ना, राइट। हाँ, तो मैंने इसलिए पूछा कि भाई कोई चीज अच्छा है, आप राइट में पहन रहे तो, क्योंकि उससे उससे आपको स्ट्रेंथ मिल रही है ये सब करने की, जो आप चीजें करना चाह रहे हो ना, आपको काफी स्ट्रेंथ मिल रहा है आपको। ध्यान आप अच्छे से दे रहे हो सब चीजों पे, अच्छा है, ठीक है। आपकी घड़ी ये क्या है, पूरा सिल्वर कलर है कि कैसा कलर है ये? यहां से तो मेरे को ये बंद करना पड़ेगा, नहीं तो सिल्वर है। यस मैम, पूरा सिल्वर है। अच्छा, एक्चुअली उस पे कहीं से ना शायद थोड़ी सी ऑरेंज लाइट आ रही है या पिंकिश सी, मैम पूरा सिल्वर है तो अगर आप देखेंगे तो पूरा सिल्वर है। हाँ, आपके हाथ में तो ये पूरा सिल्वर दिख रहा है, उस पे थोड़ा सा कहीं से शेड आ रहा है, तो मैं सोच रही थी तब आपने जब से भेजा था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ है क्या।
नहीं अच्छी है, ठीक है घड़ी। मैम अमेजिंग प्रिडिक्शन, इट इज बैंग ऑन ट्रू, क्योंकि आप जो एक एक बात बता रहे थे वो बहुत रेजोनेट किया है, एंड इट्स ट्रू मैम कि मेरे को बाउंड्रीज मैं बहुत स्ट्रांगली बनाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत रहे हैं, तो उसने मुझे सिखा दिया कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन करके चलना है, अपनी बाउंड्रीज बना के चलना है फॉर सेल्फ लव। तो अभी वाली बाउंड्रीज या तो मैं अपने सेल्फ लव में हूँ मैम, तो मैंने वो सीख लिया है, लाइक इट्स बीन देयर इन माई पर्सनैलिटी कि मैं बाउंड्रीज बनाती हूँ और लोगों को बहुत जल्दी नहीं कर पाती हूँ, लाइक उनको घुसने नहीं देती हूँ, ये तो है। मतलब आपने ये भी बताया कि प्रॉब्लम भी नहीं है जी मैम, इनफैक्ट मुझे हेल्प भी किया है, क्योंकि पहले पहले मैं बहुत इमोशनली बहुत हर्ट हो जाती थी, पहले जब लोग आके कुछ भी सुना के चले गए, या आप घर में भी होते हैं चीजें होती हैं तो बोल के चले जाते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ में, स्ट्रॉन्ग अपने रिस्ट्रिक्शंस के साथ में समझा दिया कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, सो आई बिल्ड दैट बाउंड्रीज फॉर माई सेल्फ। दूसरा आपने बहुत प्यारी चीज बताई, यस मैं हेल्थ की तरफ वर्क करती हूँ, लेकिन हाँ प्लानिंग पूरी होती है, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग ज्यादा करते हो उसकी, मैं प्लानिंग करती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन कुछ दिन होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है तो वो छूट जाता है, तो ये है फैक्ट है, तो उसपे मैं करना है। या आई हैव वेरी सिलेक्टेड फ्रेंड्स एंड ब्यूटिफुल गुरुज लाइक यू, मेरे को बहुत ये तो मेरे को ब्लेसिंग्स रही है कि मेरे को बहुत प्यारे प्यारे गुरुज मिले हैं मेरी लाइफ में। वो आपको हमेशा मतलब अच्छा, कम से कम देखो मैं पहले का तो नहीं, जब से घड़ी है नॉलेज के हिसाब से आपका सही चला होगा जी मैम, और मेरे विजडम की तरफ है भी थोड़ा सा कि आई एम अ सीकर ऑफ विजडम, तो मेरे को हमेशा ब्लेसिंग्स रही है डिवाइन की कि मेरे को गुरुज बहुत प्यारे, जिस वक्त जो जरूरत थी वो मिलते गए मुझे। और लाइफ या मैम मैं एक्चुअली अपना नाम बनाना चाहती हूँ, बिकॉज इन मोडालिटीज के आने के बाद में और डिफरेंट चीजें सीखने के बाद में मुझे ये लगता है कि सोसाइटी के प्रति एक्चुअली आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तक रिस्ट्रिक्शन रखूंगी, ये रिस्ट्रिक्ट रखूंगी अपनी विजडम को, तो कहीं ना कहीं वो फैलेगी नहीं, तो आप जैसे गुरु के मार्गदर्शन से चलते से ही आगे बढ़ने का एक थॉट है। वो देखो आप लोगों का अपना डेस्टिनी है, और ये घड़ी भी अगर बाय चांस आपकी मतलब लाइफ में आई होगी, तो आपकी डेस्टिनी ने आपके सबकॉन्शियस ने अपने आप से अट्रैक्ट करके इसको आपकी लाइफ में लाए, इतना मैच करती है। मतलब देखो आपसे मेरा पहले इतना ज्यादा इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ हो कि मैं पर्सनली आपके बारे में बहुत चीजें जानती हूँ, मे बी मैं आपको शायद पहली दूसरी बार देख रही होंगी जी, है ना मैम। एक्चुअली वर्क है ना, ये मेरे पास रखी हुई थी, मैं पहनती थी, लेकिन बीच में कुछ महीने मैंने पहनना छोड़ दिया था इसको, अचानक से पता नहीं क्यों एक थॉट आया, ये मिलने के बाद भी एक थॉट आया कि इसको सेल चेंज करा दो, उसके सेल बंद हो गए थे एक्चुअली, तो मैं चेंज कराने जा नहीं रही थी ना, फिर से सेल डलवाने के बाद स्टार्ट्स वर्किंग, तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस मेरे को दिख रहा है। बात बोलूं आप ना जैसे ओकल्ट फील्ड में हो ना, वो दूसरे वाली घड़ी ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देगी, लोगों को आप तक आने नहीं देगी। ब्लैक वाली मैम ये बहुत बेटर है, ये बहुत बेटर है, मतलब गोल्डन होता इसमें तो और अच्छा लगता। आपको एक सजेशन मैम, स्ट्रैप चेंज कर लूं ब्लैक की, क्योंकि लाइक इट्स एक्चुअली ब्लैक वाली अभी मुझे मिली, मैं इसका स्ट्रैप चेंज कर सकती हूं। नहीं उसमें कई चीजें मिसिंग है, उसका वॉलपेपर चेंज हो सकता है, मतलब ये जो बीच की स्क्रीन है ये चेंज हो सकती है, मतलब ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। हाँ जी कर सकती हूँ। हाँ मतलब काफी अच्छी स्क्रीन है, ज्यादातर डिजिटल वॉचेस में इतना नहीं होता है, बट कुछ चीजें मिसिंग भी है, इसको थोड़ा सा टाइम लगा के देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एनालाइज, क्योंकि ऐसे और ऐसे है, कुछ चीजें ठीक है कुछ चीजें नहीं भी है, बट इससे वो वाली बेटर ओके, वो वाली इससे बेटर ओके मैम, आपके फील्ड के हिसाब से भी। आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ नहीं बताती अभी, इस आपको एक एक उसमें एक सजेशन दूंगी और उससे वो परफेक्ट घड़ी बन जाएगी, वही वाला ओके मैम ओके, क्योंकि उसमें सब चीजें हैं, ठीक है अच्छा है वो, ये ठीक है अच्छी है।
मेरी तो मेरी ना पहले स्टूडेंट्स पे नजर रहती थी, मेरी अब घड़ियों से नजर नहीं हटती उनमें इतना कुछ दिखता है, इतना कुछ दिखता है, अभी भी कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में मैंने कुछ भी बोला ही नहीं है। मैं आप लोगों को सच में बता रही हूँ, एक घड़ी में मतलब मैं देखती जाती हूँ और इतना कुछ बोल सकती हूँ, इतना कुछ बता सकती हूँ, और वो बताते बताते और ज्यादा जितना बताती हूँ उतनी ज्यादा चीजें मुझे और दिखती रहती है। तो अभी इतनी चीजें मैंने आपको जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया है, ये घड़ी इससे कम से कम 100 गुना और बताती है। चलिए थैंक यू, जो भी बताया है बैंग ऑन ट्रू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके अभी कौन है मीटिंग में? सुनीति जी आपने भी कोई घड़ी भेजी हुई थी क्या? मुझे याद नहीं, क्योंकि अगर आपने भेजी थी तो सुनीति जी आपका मैं अनम्यूट कर रही हूँ, एक बार बताइएगा आप। अच्छा पीयूष जी हैं, पीयूष जी ने भी कोई घड़ी नहीं भेजी थी ना, और सुनीति जी की भी नहीं है। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मतलब मेरा तो मन है, मतलब आई रियली लव्ड एंड एंजॉयड एनालाइजिंग वॉचेस, मतलब इट्स अनदर डायमेंशन। इनफैक्ट आप लोगों को पता है टाइम को 4th dimension कहा जाता है, एंड इसकी स्टडी मतलब इट टेक्स यू अनदर डायमेंशन में, आपको दूसरे डायमेंशन में ले जाती है, क्योंकि टाइम हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं, और जब आप पास्ट में या फ्यूचर में जाते हो टाइम ट्रेवल जो आपका होता है तो वो 4th dimension होता है। ये घड़ियां इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको आपको एक डायमेंशन आगे ले जाती है, ये घड़ियां आपको 3rd dimension से 4th dimension में ले जा सकती है, अगर आपकी घड़ी सही है तो 4th dimension में राइट डायरेक्शन में ले जाएगी। वैसे ओके चलिए ये स्टॉप शेयर करते हैं। ओके बहुत सारे लोग वो कोर्स के बारे में जानना चाहते थे, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि उस कोर्स में हम लोगों ने क्या क्या इंक्लूड किया है, क्या क्या उस चीज में कवर होगा। कितने लोगों ने ना ग्रुप अभी बाद में ज्वाइन किया, जब आप लोगों के पास में मीटिंग का लिंक भेज चुकी थी ना, हम लोग मीटिंग में चल रहे थे, तो बहुत सब लोगों ने तब ग्रुप ज्वाइन किया। ओके जो ये कोर्स है आपका, इसमें हम सबसे पहले तो समझेंगे कैसे टाइम इम्पैक्ट करता है, इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है। उसके बाद हम लोग, जैसे आपने अभी ये प्रिडिक्शन सुनी, तो इस कोर्स को करने से 15 दिन के बाद आप भी किसी की घड़ी उठा के इतना कुछ बता पाओगे। 15 डेज के बाद, इनफैक्ट हम लोग कोर्स के बीच में ही इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप लोग एग्जैक्टली बता पाओगे। एक्चुअली क्या होता है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या डायल है, क्या डायल साइज है। अभी मैंने आप लोगों को बहुत थोड़ी चीजें बताई, हर एक चीज नहीं बताई, क्योंकि मैं हर एक चीज बताऊंगी तो वो मतलब कई दिनों की कहानी हो जाएगी, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बहुत थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं ट्रेलर था, इट वॉज ट्रेलर ऑफ द मूवी,
इतना इम्पोर्टेंट है ओकल्ट फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. वन थिंग जो आप लोगों को इससे बहुत अच्छे ढंग से हेल्प कर सकते हो, हीलर्स की तरह से, न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर की तरह से प्रिडिक्शन जब करना होता है तो आप किसी पर्सन को देखकर ही. अभी हमने वो कवर नहीं किया कि जो घड़ी नहीं पहनते उनकी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट रहता. थोड़ा मैंने आपको बताया उसमें भी काफी अच्छा प्रिडिक्शन है उसका भी. तो वो कैसे. और इस कोर्स में हम लोग एक और बहुत अच्छी बात करेंगे, जो लोग घड़ी नहीं पहनते उनके बारे में और डेप्थ में प्रिडिक्ट करना हो तो वो क्या बैंगल्स, क्या रिंग्स, क्या इयर रिंग्स, जैसे जेंट्स भी रिंग्स पहनते हैं, कोई ब्रेसलेट्स पहनते हैं, कोई धागा पहनते हैं, कैसे क्या पहना उन्होंने, उससे भी कैसे प्रिडिक्ट करना है, वो चीजें भी हम लोग इस कोर्स में करेंगे. आपके इसके डायल्स, इसके डेट्स, इसके जितने सर्कल्स थे, जैसे अभी मैंने पारुल जी का सर्कल्स के बारे में बताया है ना. और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आप मिक्स कर लेते हो, हर एक के नहीं अलग होते हैं. इट्स नॉट कि बट ऑब्वियस कि सब लोग अलग अलग रखते हैं. कई लोग क्या होता है, फैमिली फ्रेंड्स सब मिक्स चल रहा है, घर में ही फ्रेंड्स और फ्रेंड्स वो फैमिली वाले लोग फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, या स्कूल में भी एकदम फैमिली जैसा ही माहौल चल रहा है. अलग 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 नहीं होता है, काफी लोगों के साथ ऐसा होता है. तो इट्स नॉट ऑब्वियस, बट वो चीजें घड़ी से ही पता चलती हैं. उसकी क्या रंग है, क्या बेल्ट है उसकी, किस तरह की बेल्ट होने से कैसा होता है ना. उसके डायल के डिजाइनर, मैंने इतनी तरह की घड़ियां देखी जब व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च वर्क. आप लोग बिलीव नहीं करोगे मैं कहाँ तक गई. गैंगस्टर्स की घड़ियां कैसी होती है, क्वींस की, प्रिंसेसेस की घड़ियां कैसी थी, साइंटिस्ट की घड़ियां कैसी थी, प्लेयर्स की, बड़ी पर्सनालिटीज की, पॉप स्टार्स की घड़ियां कैसी थी, क्या पैटर्न था उनमें. एंड इट वाज वंडरफुल. आइंस्टाइन की घड़ी वो मिलती थी ऑलमोस्ट एक बहुत बड़े गैंगस्टर से, एक बहुत बड़े डॉन से. सो कहीं ना कहीं मतलब मुझे इतना वो लगा, इस मिस्टिकल की एनर्जीज को हम कैसे यूज करते हैं. दोनों की एनर्जी सेम तरह की रही होगी, एक ने लगाई पॉजिटिव और एक ने लगाई नेगेटिव साइड. वो इधर टॉप कर गया और वो इधर टॉप कर गया. सेम तरह की घड़ी मिरेकुलसली मेरे मतलब मैं पलट कर देखती रहेगी कोई फर्क तो हो. इतना ज्यादा सिमिलैरिटी थी दोनों की घड़ियों. तो बहुत ही मतलब जितना जितनी डेप्थ में मैं इसके जाती रही मुझे उतना ही ज्यादा मिस्टिकल वर्ल्ड लगता रहा इसका. ऐसे ही उसमें आप देखो कि बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, डायमंड्स वगैरह लगे होते हैं, हर चीज उसका, हर एक चीज कहीं पर कोई निशान भी बना हुआ है. क्या बर्ड्स, एनिमल्स, फिगर्स, फेसेस बने हुए हैं, लाइंस के पैटर्न्स हैं, चेक्स हैं, हर चीज, कर्व्स हैं, हर चीज बताती है उस पर्सन के बारे में जो वो घड़ियां यूज करता है ना. क्या कैलेंडर कहाँ पर लगा हुआ है, डेट्स का कहाँ पर लगा हुआ है, वीक डेज का कहाँ पर लगा हुआ है या नहीं है, नीडल्स कितनी है, कैसी है नीडल्स की शेप, कैसी है नीडल्स का कलर, कैसा है अक्षरों का कलर, कैसा है अक्षरों में भी किस तरह के हैं, रोमन है, न्यूमेरिक है, सिर्फ डैशेस हैं, डॉट्स हैं, स्क्वायर्स हैं, सर्कल्स हैं, क्या बना रखा है वहां पर. मैंने आपने देखा होगा किसी के बारे में मैंने जो बीच में बताया था कि उनको हेड में प्रॉब्लम होगा है ना. तो अब उन्होंने कहा कि बचपन से, लेकिन उनको बचपन से वो प्रॉब्लम है तो घड़ी भी वैसी ही अट्रैक्ट होके आई. उनकी कोई भी घड़ी निकलवा लेंगे ना अगर उनको बचपन से, उन्होंने बचपन से जितनी घड़ियां यूज की होंगी ना, मैं गारंटी से कहती हूँ कि जो मैंने जिस चीज को देख के बोला था ना, थोड़ी ज्यादा कम वो हर घड़ी में होगा फीचर. तो हेल्थ हम लोग कैसे, उस पर्सन की हेल्थ के बारे में, किसी को घड़ी देख के आप बता सकते हो आपके पैर में दर्द रहता होगा, आपको स्टमक का से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहता होगा घड़ी देख.
इतना इन डेप्थ घड़ियां फिर हम लोगों ने जैसे अभी पूछ रहे थे गिफ्टिंग के बारे में पूछ रहे थे कैसे गिफ्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उनके बारे में है ना वो सब चीजें आ जाती हैं पूरा डिजिट्स कैसे हैं क्या है और क्लॉक्स की चार्जिंग वगैरह का कैसा है कई घड़ियां आती है ना वो रोज चाबी भरना पड़ता है और कई घड़ियां सोलर वॉचेस होती हैं कोई बैटरी वाली होती है वो चीजें हम लोग करेंगे डिजिटल वॉचेस एनालॉग वॉचेस है ना वो सब चीजें टेबल क्लॉक्स के बारे में वॉल क्लॉक्स के बारे में अभी हमने सिर्फ आज की डिजिटल या आपकी रिस्ट वॉचेस आपके घरों में भी घड़ियां लगी होती हैं वॉल पर वो आपकी पूरी फैमिली के बारे में बताती हैं उनको भी हम डिटेल में करेंगे वास्तु के हिसाब से भी करेंगे घड़ियों में भी न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से भी करेंगे कि न्यूमेरोलॉजिकली आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आपको कौन सी घड़ियां पहननी चाहिए कौन सी घड़ियां यूनिवर्सल हो सकती हैं सबके लिए यूज हो सकती हैं कौन सी घड़ी किसी को बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से है ना वो सब चीजें भी हम लोग इसमें इन डेप्थ करेंगे वास्तु के हिसाब से न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग ग्रहों के हिसाब से वो सब चीजें हम लोग इसमें करेंगे पूरा आपका फिर उसके बाद हम लोग रेमेडियल भी करेंगे इसमें ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स और उसको एनालाइज करेंगे हम लोग इसमें रेमेडियल भी करेंगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहा है तो कैसा घड़ी चाहिए कोई सिर्फ बच्चे हैं जो टेंथ तक के बच्चे होते हैं स्टडी कर रहे हैं उनको कैसा घड़ी चाहिए आप काम कर रहे हो बिजनेस आपने देखा होगा मुझे मैंने सब लोगों को बोला आप बिजनेस कौन सा करते हो उसके हिसाब से आपकी घड़ी अलग होगी कोई डिजिटल बिजनेस करता है ऑनलाइन बिजनेस करता है उसकी घड़ी अलग होगी किसी को लोकल बिजनेस है तो उसकी घड़ी अलग होगी किसी का बाहर के लोगों के साथ है तो उसका घड़ी अलग होगा तो कैसी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कैसी घड़ी लेनी चाहिए आपको अच्छी हेल्थ के लिए कौन सी घड़ी होनी चाहिए आपके पर्सनलाइज्ड घड़ी पूरे ग्रुप की घड़ी नहीं आपकी पर्सनलाइज्ड घड़ी कौन सी होनी चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट्स आपके गोल्स के हिसाब से आपकी कंडीशंस के हिसाब से है ना आपके रिलेशनशिप्स किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए उनको कैसा घड़ी पहनना चाहिए है ना वो चीज है स्टडीज का हो गया फिर एक बहुत ही मजेदार वो है फॉरेन सेटलमेंट्स का वीजा लगवाना है ये वाली घड़ी पहन लो बेटा जब तक वीजा नहीं लगता तो तब तक के लिए कुछ चीजें ऐसी भी रहती हैं शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना उसके लिए भी पर्टिकुलर हम बता देते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप ये पहन लो तो इस तरह से ये सब चीजों का हम लोग करेंगे गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसी को प्रमोशन चाहिए किसी को तो उसको कैसी कैसी घड़ी कहाँ पर काम आएगी वो सब चीजें हम लोग करेंगे है ना तो इससे आप किसी पर्सन की पूरा पर्सनैलिटी एनालाइज कर सकते हो उसके लिए रिकमेंडेशन दे सकते हो आप उसको है ना हम प्रॉब्लम का सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढने के लिए तो नहीं बैठे यहाँ पर सॉल्यूशन भी देना है ना एंड देन उसके बाद कितने समय में सॉल्यूशन आएगा कितने में नहीं आएगा कौन से इसके साइजेस होते हैं क्या नहीं होते हैं अभी मैं आप लोगों के देख भी रही थी सपोज जो किसी एक पर्सन के लिए एक साइज अगर लार्ज है तो दूसरे पर्सन के लिए वो लार्ज साइज मीडियम भी हो सकता है तो सबके के हिसाब से होता है तो वो भी हम सीखेंगे कैसे आप इसको मेजर कैसे करोगे ये कैसे बताओगे कि ये लार्ज है नहीं है किस पर्सन के हिसाब से कौन सी हो रहेगी वो हम करेंगे कलर्स के बारे में फुल डिटेल करेंगे नंबर्स के बारे में फुल डिटेल करेंगे एंड ये कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है ऑकल्ट फील्ड के लोगों के लिए जो भी कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं उन लोगों के लिए एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में कोई अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उन लोगों को आप लोग कर सकते हो कि देखो आपके लिए स्पेशली आप उनके सेशंस ले सकते हो कि आपके एक ग्रुप के टीचर्स के लिए अलग तरह की चीजें हो सकती हैं आप उनको फिर कंबाइंड एक तरह की चीजें बता सकते हो कोचिज के लिए जो हमारे ओकल्ट फील्ड में है उनके लिए अलग रहेगा सेल्स वाले लोगों के लिए अलग रहेगा मार्केटिंग वाले लोगों का अलग रहेगा तो इस तरह से जो भी सब लोग हैं सबका अपना अपना अलग अलग वो रहेगा ठीक है अभी अब मैंने जो आप लोगों को प्रॉमिस किया था मतलब दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि और एक और चीज हाउसवाइफ्स के लिए मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि इससे वो लोग अपना कैरियर घर से बैठ के शुरू कर सकते हैं
आपको पता है इससे आप लोग मनी मेकिंग कैसे कर सकते हो इस कोर्स से? कंसल्टेशंस ले सकते हो. मैंने जितना आपके बारे में बताया, अगर इफ दैट वाज टिप ऑफ आइसबर्ग, आप फुल कंसल्टेशन लोगे और उसको फुल एनालिसिस करके दोगे, तो क्या वो किसी न्यूमेरोलॉजी और फुल किसी भी एस्ट्रोलॉजी के एनालिसिस के बराबर नहीं हो जाएगा? एंड इट्स सो इजी. न्यूमेरोलॉजी मुझे पता है, मतलब इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं, जितना पढ़ते जाते हैं और डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ. बट दिस इज समथिंग, जितना आप करोगे ना अभी, उसके बाद मतलब ठीक है, रिसर्च वर्क तो कोई भी कितना भी कर सकता है, बट काफी चीजें हम लोग कर ही लेंगे, तो आप इंस्टेंटली अपना करियर शुरू कर सकते हो. ठीक है, कंसल्टेशंस कर सकते हो आप दूसरे किसी कोर्स के साथ, इसको एडिशनल वो करके, प्रिडिक्शंस का कोर्स जैसे कर रहे हो तो उसके साथ आप इसको एडिशनली ऐड करके उसकी, उसको और ज्यादा आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, है ना. इसको अलग से सिखा सकते हो एज कोर्स, एज मेंटर बनके भी आप इससे अर्न कर सकते हो. और उसके बाद जब आप वॉल क्लॉक्स वगैरह का करोगे, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में है, उनको इंडस्ट्रीज को जाके आप वहां पर मेंटर कर सकते हो कि आप ऐसी घड़ियां बनाओ इस तरह के लोगों के लिए. मतलब जब मैंने सीखा था, मेरे पास तो बहुत बड़े प्लान्स हैं इसको लेकर, फुल इंडस्ट्रीज के साथ वर्क करने के. तो वैसे आप लोग मतलब इसके बारे में बहुत प्लान्स बना के बहुत चीजें अर्न कर सकते. ना अब आता है आप लोगों का गिफ्ट पार्ट. एज आई प्रोमिस्ड, अभी ये कोर्स हमारा 6,000 में, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो लोग इस समय प्रेजेंट हैं, मैं उसको डायरेक्ट 2,000 स्लैश करके, कि जो भी लोग इस समय यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप लोग इस कोर्स को 4,000 में आज रात से पहले अगर आप लोग एनरोल कर लेते हो, तो 4,000 में आप लोग इस कोर्स को कर सकते हो. एंड इट्स सो मच डिमांडिंग और इतना ट्रेंडिंग, इतना हॉट कोर्स है, ये खड़े हाथ बिकता है और बहुत इसको सब लोग सीखना चाहते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब मैं तो उतना पता नहीं आप लोगों को बता पाई या नहीं बता पाई, बट इसमें आप देखते जाओगे और आपकी, मैंने कहा ना, मेरी आपकी घड़ियों से नजर नहीं हट रही थी. मन करता इसमें और एंड इट्स क्वाइट लाइक अपीलिंग है एकदम से, बहुत मिस्टिकल सा आप खींचता है अपनी तरफ. ऐसा ही सबके लिए ट्रू है, जिन लोगों का आप भी सिखाने जाओगे ना, तो बहुत ट्रेंडिंग है. आई वॉज अबाउट टू चार्ज इट 11,000, मैंने आप लोगों ने देखा भी होगा 11,000 मैंने फीस लिखा हुआ था, बट मार्केटिंग टीम ने बोला कि मैम अभी ना इसको हम लोग इतने एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं. एंड कल रात की बात है कि आई थॉट आप लोगों के लिए क्या गिफ्ट करें, मैंने कहा चलो ठीक है ना यार, इसका प्राइस स्लैश कर देते हैं. और आप लोगों को ये गिफ्ट देने के लिए हम रिटर्निंग मनी, जिन लोगों से मैंने 6,000 और 5,000 लिया था, उन लोगों को उनका 1,000, 2,000 वापस कर रही हूँ मैं. सो दैट यहाँ पर जितने लोग हैं, आप लोग 4,000 में लोगे तो मुझे वो लोग तो फिर बोलेंगे ना कि हमसे क्यों. तो फिर मुझे लगा कि यही गिफ्ट आप लोगों के लिए अच्छा है. एंड साथ में आप लोग जब कोर्स ज्वाइन करोगे, तो फर्दर नेक्स्ट कोर्स के लिए आपको जो हमारा, जैसे रेकी और कुछ प्रीमियम कैटेगरीज कोर्सेज हैं हमारे, न्यूमेरोलॉजी रेकी के जो बड़े वाले कोर्सेज रहते हैं हमारे टैरो वगैरह के, उसमें आपको फर्दर डिस्काउंट्स अवेलेबल रहेंगे. तो आई हैव दिस लिस्ट, मेरे पास ये लिस्ट आ जाएगी आप लोग जितने भी लोग हैं. तो दैट टाइम आप लोग फर्दर किसी भी कोर्स में आते हैं, तो उसके लिए आप लोग इसमें इसके डिस्काउंट्स ले सकते हैं. 2,000 आपका अभी हो जाएगा, एंड फर्दर दूसरे डिस्काउंट्स. एंड इसके अलावा आप लोग जब ये करेंगे रिस्ट वॉच का, तो उसको लेकर मतलब मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल उसका, बहुत एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, जिससे कि आपको बहुत इनडेप्थ, आप सोचोगे कि घड़ी नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा इतना था दुनिया में इसके बारे में, इतना लोगों ने लिखा, मैं हैरान हो गई व्हेन आई फाउंड मटेरियल कि लोगों ने वो ढूंढ के रखा हुआ है कि गैंगस्टर्स की घड़ियां हो. तो उन्होंने वो उससे पूरा एक चैप्टर्स बना रखे हैं, मतलब ऐसे पूरा कलेक्शन कर रखे कि सारी गैंगस्टर्स की घड़ियां हैं.
जब सर्च करने आप लगते हो तो बहुत सारा वैसा मटेरियल मिलता है। सो विद दैट मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, तो आप लोगों में से जितने भी लोग अभी करना चाहते हैं कोर्स, आज आप लोग इसको 15,000 में कर सकते हैं, एंड सॉरी 4,000 में कर सकते हैं ज्वाइन। एंड कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं इसे, शाम को 7 PM इसको, 4 बजे का तो आज का टाइम था, कल 7 PM से हम इसको शुरू करेंगे। तो आई वुड लाइक टू सी आप सबको, एंड आप लोग खुद भी करिए, और अगर आप लोगों को लगा हो दैट इट्स वर्थ, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी, बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है इससे, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने किसी के भी रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला, बट इज द मेजर पेन पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। रिलेशनशिप्स बहुत बड़ा पेन पॉइंट होते हैं, आप उस चीज में भी उनके रिलेशनशिप्स से अगर उबरने में हेल्प कर सकते हो, जैसे हीलिंग्स होती हैं, टाइम लेती है, हम लोग हीलिंग्स करते हैं, इट टेक्स टाइम, बट घड़ी से उनके वो लोग क्लोज आ सकते हैं। हम लोग उनको घड़ियां पेयर में ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसी घड़ियां जिससे वो लोग क्लोज आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे इसमें टेक्निक्स हैं, आप लोग बहुत लोगों को हेल्प भी कर पाओगे, अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस कर पाएंगे। जब क्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो फैमिली मेंबर्स का हेल्थ, उनका नॉलेज, उनका रिलेशनशिप्स कैसा रहेगा घर में, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगी पूरे घर की, वो सब चीजें हम लोग इससे चेंज करना सीखेंगे। तो इसके साथ ही चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं, एंड आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी, सेंड मी मैसेज, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी यू ऑल इन दैट कोर्स टुमारो। और इसके अलावा भी हम लोग एवरी वीक वी विल कीप डूइंग सच एनालिसिस, और जो लोग कोर्स में हैं 15 दिन रुक जाओ, फिर वो लोग यहाँ पर बैठ के एनालिसिस करेंगे सबकी घड़ियों का, हम लोग घड़ियां मंगाएंगे एंड आप लोग एनालिसिस करोगे। सो आज जो उस तरफ बैठे हैं, 15 दिन के बाद मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप इस तरफ आके बैठोगे एनालिसिस करने। सो विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल बी टेकिंग योर लीव। ओके, बिफोर दैट मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ। आप सब अनम्यूट हो, आप लोग किसी